मैं पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ बोलो बोलो बोलो। जी सर, अगर किसी का जैसे डेट राशि के हिसाब से उसका नाम नहीं है, सर ये डिस्टरबेंस बहुत किसी का म्यूट का है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर सभी मैं पहले म्यूट कर ही रहा हूँ। वो भी करना तो था ही मुझे पढ़ाने से पहले। चलो हाँ जी, अब कौन पूछ रहा था, हैंड रेज करें। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? सोनल जी, सोनल आपने पूछा था ना? यस सोनल, सोनल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जी जी सर। हाँ हाँ सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मेरा मेरी खुद की ही राशि मीन राशि है और मेरा नाम जो चला है वो राशि के नाम से नहीं है, सोनल मेरा कुंभ राशि हुआ वो, हाँ तो अभी जो बर्थ नेम है वो कभी भी यूज नहीं हुआ है और अब नेम यही चल रहा है मेरा हाँ कोई शुरू बात से ही। नहीं। तो आप ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा टूल साथ लेकर चल रहे हो आप। भगवान ने जो दी थी राशि वो हाँ तो है ही आपके पास, एक अलग हाँ से राशि या नक्षत्र आपने और साथ ले लिया। अब वो ये अच्छा देखना सर। पड़ेगा कि वो आपका दोस्त है, आपका जो जो भगवान ने दिया उसका वो दोस्त है या दुश्मन है। सर अगर मेरी वो मीन दोस्त है राशि उसका है, नहीं, वो देखना मीन पड़ेगा ना। राशि। वो नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी होती है, जब मिलान ओके करते हैं ना नक्षत्र हाँ कंपैटिबिलिटी। हाँ आपके ओके दो नक्षत्र हैं, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो हाँ चंद्रमा बताएगा। एक आपने राइट नाम अपने हिसाब से रखा, वो नक्षत्र अलग आ गया। अगर वो दो राइट नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हैं, दोस्त हाँ हैं, तो क्या हाँ वो एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ऊंचाई लेके जाएंगे। अगर वो ओके एंटी हाँ हैं तो समझ लिया आपका दुश्मन आप कोई और नहीं है, आपका नाम ही आपका दुश्मन है। हाँ 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 बराबर है। तो सर इसका भी उतना ही जो मतलब ग्रहों का इफेक्ट आता है वो उतना ही आएगा कि मतलब जो मेन राशि है उसका आएगा? नहीं देखिए असर तो दोनों का आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है नहीं आता हो। असर दोनों हाँ का आता है, सर वही सर। असर हाँ दोनों का आता है, ठीक और है। ज्यादा मतलब तभी तो आप जाते हो पैदा होते ही बच्चे के पंडित जी से हाँ पूछने कि इसका नाम बता दो जी, किस अक्षर से रखें। क्यों जाते हो फिर? इसलिए तो जाते हो आप, जब नाम पूछने जा रहे हो, नाम नहीं पूछने जा रहे आप अक्षर पूछते हो। हाँ अक्षर पूछने का मतलब यह है कि आप उससे ये पूछ रहे हो कि भाई इसका जो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है इसके दूसरा नक्षत्र कौन सा कंपैटिबल है जिससे हम उसका नाम रख लें। नक्षत्र पूछने जा रहे हो इन शॉर्ट उससे हाँ बस। पर सर कुछ लोग बोलते हैं कि जो मेन राशि है वही इफेक्ट रहती नहीं है वो तो बाकी करती नहीं। करती है, अगर ज्योतिष करेंगे तो वो पूरी करेगी, लेकिन ये भी तो हाँ ज्योतिषीय पार्ट है कि आप हाँ सर नाम अक्षर पूछने जाते हो पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर वही से, सर वही दोनों काम मुझे करती लगता हैं, है। दोनों हाँ काम सर वही करती मुझे लगता है क्योंकि बचपन से यही चली आ रहा है मेरा नाम, हैं कभी जीवन के। एक्चुअल हाँ नेम ही नहीं बोला गया है। तो कोई बात नहीं, आप इसको पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी महक, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कास्ट स्टार्ट हो गया भाई। महक बोलो। सर जो हम जैसे हमने वास्तु के हिसाब से देखा कि दिशा कौन सी सूट हाँ करती है और फिर हम कुंडली में भी देखते हैं कि दिशा कौन सी सूट करती है, तो वो अलग अलग तरीके से देखेंगे? हाँ जी, वास्तु के अंदर नाम राशि ज्यादा प्रयोग होती है। नाम राशि ज्यादा प्रयोग हाँ जी होती है। ओके तो वो फिर मतलब फिर तो दो डायरेक्शन आएगी ना, कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो नाम कुछ राशि और जो मैं कह आया रहा हूँ, अगर नाम राशि जो होती है तो एक ही आएगी ना, बात ही खत्म होगी उसमें। हम चंद्रमा को उसमें देख ही मून, नहीं हम रहे, मून पोजीशन देख लेंगे। ठीक नहीं देख रहे, वहां सिर्फ नाम राशि काम करते हैं। ठीक चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हमने कहां तक किया था कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसे? मैंने तो सबको किया हुआ है। सोनल आप बताओ, सोनल अनम्यूट करो। कहां तक हमने किया था? सर सिंह राशि तक किया था। सिंह राशि तक किया था। अच्छा अच्छा राशि मैं भेजनी भूल गया ना, पीपीटी भेज देता तुम पढ़ लेते। चलो थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ, फिर हम क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। महाभाग्या जी क्या कहना चाह रहे हो, इनकी भी सुन लें यार पहले। बोलो महाभाग्या, अपने आप को अनम्यूट करो। महायोग विद्या, ओके महा बोलो, महायोग बोलिए बोलिए, मैंने आपको आप अनम्यूट हो गए, बताइए क्या पूछना है। महायोग विद्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो कल मैं नोट्स बना रहा था तो जो डोर के पद हैं, जो डोर के पद हैं उसमें वेस्ट में कुछ मिस्टेक है शायद, मतलब कुछ रिटर्न में लिखा हुआ कुछ गलत है। अच्छा यार, वो वैसे पूछ लो ना, आप ज्योतिषी क्लास में आके आप वास्तु की बात कर रहे हो, बाकी सब लोग परेशान हो जाएंगे ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते अलग से बात कर लो, फोन कर लो, ग्रुप में डालो, ठीक है सर, कोई कोई भी क्वेरी ग्रुप में डाल दो, बस मैं वहां देख लूंगा, ठीक है सर। चलो यार, तीसरी क्लास है हमारी, और जिन जिनको भी हमने फ्री के लिए बोला गया उनकी एक क्लास और बचेगी, फिर उसके बाद हम एक सीरियस नोट पे एक कोर्स को मतलब मंथली वाइज आगे बढ़ाएंगे। अभी भी सीरियस ही चल रहा है हमारा, एक क्लास बीच में किसी कारण से मिस हो गई थी उस दिन, ठीक है। तो हमने सिंह राशि तक कर लिया था, जैसे कि पता लगा है मुझे अभी, तो आगे हमारा है कन्या राशि। कन्या राशि में आपको पता है कन्या के समान राशि, उसमें बहुत सारे तारों का झुंड एक नजर आता है आकाश में, ठीक है। उससे जब उस फिगर को मिलाते हैं तो एक फीमेल की आकृति वहां पर नजर आती है कन्या के रूप में, ठीक है, जिसके हाथ में कुछ सामान है, दीपक है या कुछ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ एक चीज है उसके हाथ में। अब इसकी प्रकृति वो समझ लो बस, थोड़ा जल्दी 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 करके। यह राशि वैश्य वर्ण, तो इसका वर्ण क्या है, वैश्य है, वैश्य मतलब लेन देन करने वाले जो लोग हैं, बिजनेसमैन, तो इसका वर्ण है वैश्य। द्वि स्वभाव है इसका, इसका जो नेचर है ड्यूअलिटी नेचर है इसका, मतलब चर और स्थिर दोनों हो सकती है, ये फिक्स भी है मूवेबल भी है। सौम्य, सौम्य प्रकृति है ना, मतलब जैसे ना सॉफ्ट नेचर वाली। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट की राशि है ये। दीर्घजीवी, स्त्री जाति, मेल फीमेल में क्या है, फीमेल राशि है। मिश्रित रंग, इसका जो कलर है वो मिश्रित है, कोई ये नहीं है। गुण क्या है इसका, सात्विक गुण है। और शीर्षोदय, मतलब सिर की तरफ से पहले उठती है, तो इस तरह से आप इस राशि को पहचान सकते हो। और ये राशि कहां पर बली होती है, अब जो लोग वास्तु पढ़ रहे हैं वहां काम आएगा जब मैं बताऊंगा कि ये राशियां वाले लोग या ये राशि इस दिशा में होती है, तो ये राशि क्या है, साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करती है। जो 2, 6 और 10 नंबर की राशि है इनको अर्थ एलिमेंट की राशि बोला जाता है, और ये राशियां साउथ डायरेक्शन में बलवान होती है या साउथ डायरेक्शन को रूल करती है, ये मतलब है। इस राशि का स्वामी बुध है, मरकरी है, आपको पता ही है। और इसका जो स्टोन होता है वो है पन्ना, जो ग्रीन एमरल्ड जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्या मतलब है, ये बिजनेसमैन की राशि है, बिजनेस की राशि है ये मरकरी कन्या। इसके बाद है तुला राशि। तुला राशि क्या है, तुला राशि को आकाश में देखते हैं तो एक तराजू, एक ऐसा लग रहा है ह्यूमन बीइंग कोई एक तराजू लेके खड़ा है आकाश में, इस तरह की फिगर नजर आती है, ठीक है। इसका वर्ण क्या है, शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण, वर्ण मैंने बताया थे आपको, ये शूद्र का मतलब कोई नीची जाति ऊंची जाति नहीं है, ये कर्म के अनुसार है आपका। तो हमारे यहाँ जो वर्ण बताए गए वो कर्मों के अनुसार बताए गए हैं, तो शूद्र वर्ण। चर स्वभाव, मूवेबल साइन है ये, क्रूरतापूर्ण ये छोड़ दो अभी। वायु तत्व, एयर एलिमेंट की राशि है ये, 3, 7, 11 ये तीन राशियां एयर एलिमेंट की राशियां होती हैं, ठीक है। दीर्घ जीवी ये भी छोड़ दो अभी। पुरुष जाति यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करती है ये जेंडर में। रजोगिनी, 3 तरह के गुण बताया था ना, राशिक, तामसिक एंड सात्विक गुण, तो ये राशिक गुण की राशि है। शीर्षोदय, शिर की तरफ से उठने वाली राशि है, और ये राशि कहां पर रूल करती है, ये वेस्ट डायरेक्शन में ये राशि रूल करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको, और तुला राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र, ठीक है, तो ये भी आप पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन को आकाश में जब आप देखते हैं तो एक स्कॉर्पियो आपको नजर आता है, बिच्छू नजर आएगा, ठीक है। जब उसके आउटर को जितने भी ब्राइटेस्ट सेलेस्ट्रियल स्टार है उनको मिलाएंगे तो एक बिच्छू की आकृति वहां आकाश में नजर आती है। इस राशि का स्वभाव क्या है, स्थिर स्वभाव है, ठीक है, फिक्स्ड नेचर है इसका। ब्राह्मण वर्ण की राशि है, वर्ण बताया था ना चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्राह्मण वर्ण की राशि है। सौम्य राशि है, जल तत्व की राशि है, तत्वों में जल तत्व है। अभी ये इनकी एप्लीकेशन क्या होगी वो आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि जीवन भर ये तत्व ये राशि ये ही चलते रहेंगे ज्योतिष में आपके। स्त्री जाति, मेल राशि है ये, तमोगुणी राशि है, शीर्षोदय राशि है ये, और वेस्ट डायरेक्शन में सॉरी नॉर्थ में ये रूल करती है, इतना समझ लो। धनुराशि, धनुराशि को जब आप देखते हैं आकाश में तो एक ऐसी फिगर नजर आती है जो इसका लोअर पार्ट है वो घोड़े का पार्ट है
और जो उसका फेस है वो ह्यूमन बीइंग का है। तो इस तरह से एक राशि नजर आती है, जब उसको मिलाते हैं तो ऐसा लगता है एक जिसका आधा सर है या मतलब ऊपर का पार्ट ह्यूमन बीइंग का है और वो धनुष लिए खड़ा हुआ है, और नीचे का जो पार्ट है वो घोड़े के समान नजर आता है, तो धनु राशि। तो क्या कर रहा है, देखिए तीर कमान लेकर खड़ा हुआ एक इंसान नजर आ रहा है। तो तीर कमान कौन चलाता है, इसका निशाना बहुत तेज होता है, ठीक है। तो ये भी मतलब है इसका, धनु राशि वाले लोग बहुत टारगेटेड लोग रहते हैं, जो जीवन में ठान ले वो कर जाते हैं लोग, ठीक है। तो इनको हम यही हिदायत देते हैं कि अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाओ, जितने छोटे गोल बनाएंगे और टारगेट रखो, अपने एम रखो कि भाई एक पाना है तो आप पा सकते हो उसको आराम से। तो ये राशि घोड़े में बैठे हुए पुरुष और धनुष को संभाले हुए इंसान के रूप में प्रतीत होती है। ये विषम राशि है, ऑड साइन है, ऑड है ना, धनु मतलब नौ नंबर की राशि, नौ मीन्स ऑड, ऑड राशि है। उग्र प्रवृत्ति है, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, उग्र प्रवृत्ति है। सतोगुणी, राशिक, सात्विक, तामसिक, लेकिन सत्व गुण है इसमें, सात्विक राशि है ये, क्योंकि जुपिटर की राशि है ना, बेशक उग्र राशि है लेकिन जुपिटर की राशि है, तो इसलिए सतोगुणी राशि। अग्नि तत्व की राशि है, द्वि स्वभाव, ड्यूअलिटी की राशि है, ठीक है। पित्त प्रकृति है इसमें, पित्त यानी कि पित्त किससे होता है, फायर एलिमेंट से, तो उग्र है ना, उग्र में क्या होगा, फायर एलिमेंट है इसके पास, तो पित्त प्रकृति है यानी कि इससे पित्त रोग हो सकते हैं। क्षत्रिय राशि है, जब वर्ण में बांटा तो क्या बोला इसको, क्षत्रिय, ठीक है, वॉरियर की राशि है ये। पृष्ठोदय है, पीठ की तरफ से उठती है पहले, ठीक, और पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन पे ये राशि रूल करती है। और इसका जो लॉर्ड है वो दैट इज जुपिटर, बृहस्पति, और इसका जो स्टोन होता है दैट इज पुखराज, जिसको येलो सफायर आप बोलते हो। आगे मकर राशि है, मकर राशि इतने डिग्री पे से लेकर इतनी डिग्री तक होती है, ये याद कर लेना जितना हो पाए, ठीक है। ये क्या है, स्त्री प्रकृति, मतलब मेल फीमेल टाइप राशि है। चर यानी कि मूवेबल साइन की राशि है, मूवेबल, चर स्थिर और द्विस्वभाव, दो बोले थे ना, मूवेबल फिक्स्ड और ड्यूअलिटी, तो ये मूवेबल राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि है, बताया था 2, 6 और 10, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो आपको याद करना है, एक टेबल बनाओ अपने आप से इन सारी राशियों को, लिखो कौन कौन सी, वर्ण के हिसाब से राशि बांटो, फिर जेंडर के हिसाब से बांटो, ऑड इवन के हिसाब से बांटो, पित वात पित कब से बांटो, पृष्ठोदय उभयोदय के हिसाब से बांटो, ठीक है, और रात्रि बलि दीपावली के हिसाब से, मतलब जो रात में बलि होती है मिडनाइट में या दिन में बलि होती है राशि। तो इस तरह से अपने नोट्स खुद बनाने, आपने जितना अपने खुद से बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है आगे के लिए। तो पृथ्वी तत्व की राशि है, वात रोग विकार यानी कि वात वायु से होने वाले, क्योंकि ये क्या है, वायु तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है लेकिन ये वात रोग दे सकती है, वात विकार आ सकते हैं इससे। श्वेत वर्ण, वर्ण इसका श्वेत श्वेत है। रात्रि बलि यानी कि रात में बलि होती है राशि। पृष्ठोदय पीठ की तरफ से उठती है राशि। रजोगुनी रजस गुण है इस राशि के अंदर, ठीक है, और क्या है, साउथ दर्शन में राशि रूल करती है। कुंभ राशि, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस साइन में क्या है, क्रूर राशि है, पुरुष संज्ञक राशि है यानी कि मेल राशि है ये, शुद्र वर्ण है इसका, ठीक है, स्थिर यानी कि फिक्स्ड साइन राशि है, एयर एलिमेंट की राशि है, वायु तत्व की राशि है, तमोगुणी तामसिक गुण है इस राशि में, और ये राशि क्या है, वेस्ट डायरेक्शन पे रूल करती है। और क्या, शीर्षोदय मतलब आगे की तरफ से पहले उठते हैं, शीर्षोदय का मतलब होता है कुछ जानवर आपने देखा होगा पहले सिर उठाते हैं फिर पीछे से उठते हैं, कुछ आपने देखा होगा पहले पीछे से उठाते हैं पैर फिर अपना आगे वाला हिस्सा उठाते हैं, तो शीर्षोदय यानी कि सिर की तरफ से उठने वाली राशि है, और राशि ये दिन में बली होती है, और ये शनि की राशि है, और इसका जो स्टोन होता है आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको शनि के नीलम, ठीक है, ओके। लास्ट राशि है मीन राशि, जिसको बोला जाता है पाइसिस साइन, पाइसिस साइन की राशि है। तो ये राशि क्या है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है, द्वि स्वभाव है इसका, सौम्य प्रकृति है इसकी, सौम्य सॉफ्ट नेचर है, जल तत्व वाटर एलिमेंट की राशि है, सम ऑड इवन में सम राशि है ये, इवन राशि है, मेल फीमेल राशि है, फीमेल जाति राशि है, ठीक है, सात्विक गुण है इसका, और उभयदेव, उदय का मतलब है दोनों तरफ से उठने वाली मछली, आपने देखी है ना फिश, दोनों तरफ से उठ सकती है, पीछे से भी उठ जाती है और आगे से भी उठ सकती है, और ये राशि क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करती है, और इसका जो स्वामी है जुपिटर है, और इसका जो स्टोन है वो पुखराज यानी कि येलो सफायर। तो ये राशि की प्रकृति को पहचानो,
तो आप लाइफ में बहुत कुछ जान सकते हो, ठीक है, ये भी मतलब है। अब कुंडली के अंदर जैसे कि आप पहले आपको बता चुका है, कुंडली में 12 भाव 12 राशि, 12 राशि हम पढ़ चुके हैं कि 12 राशि के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या सिग्निफिकेटर हैं, है ना, 12 राशि को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं 12 राशियों का, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है और पढ़ते रहेंगे आगे। अब 12 भाव आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितने भी आपके रिलेशन है, जितने भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन है आपके, है ना, सब कुछ पूर्वमंदी के इन 12 भाव के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, ये मतलब है। तो इन आपकी लाइफ में कोई बॉडी पार्ट देखना है तो किस भाव से देखेंगे, आपकी लाइफ में कुछ इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं तो किस भाव से होते हैं, ठीक है, रिलेशन आपके जीवन में इतने सारे रिलेशन है, आप बाप हो सकते हो, भाई हो सकते हो, बहन हो सकते हो, माता पिता, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मामा चाचा ताया, कुछ भी हो सकते हो आप, तो हर भाव से कोई ना कोई रिलेशन देखा जाता है, तो हम ये देख रहे हैं आप किस भाव से क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। इसलिए पूरे जीवन में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने सामान हैं, जितने रिलेशन हैं, जितने बॉडी पार्ट हैं, जितने इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं, सब इन्हीं 12 भाव से होते हैं। तो यानी कि एक भाव से कई सौ चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन अभी हम वो बता रहे हैं जो मेजर मेजर चीजें हैं लाइफ की, ठीक है। तो जीवन भर यही पढ़ना है आपने, किस भाव से क्या देखना है। तो कुंडली का जो पहला भाव है जिसको हम क्या बोलते थे, लगन, हमने लगन भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोल सकते हो, पहला भाव भी बोल सकते हो उसका, उसे क्या देखते हैं पहले दोस्तों, उसे देखते हैं आपका जन्म, ठीक है। लगन का मतलब ये जन्म, किस नक्षत्र में या किस राशि में आपका जन्म हुआ है, तो उसे आपका जन्म देखते हैं। जन्म स्थान देखा जा सकता है, स्वरूप, स्वरूप का मतलब है पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। वर्ण, शरीर की बनावट, मतलब गौरव मान सम्मान, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं फिर थोड़ा बता दूंगा इंग्लिश। मस्तिष्क, सुख दुख, स्वास्थ्य, संपूर्ण जीवन। अब जैसे बताया स्वरूप, स्वरूप का मतलब है ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके शरीर की बनावट कैसी है, आपकी फिजिक कैसी है, आप दिखने में कैसे हो, आपकी फिजिकल बॉडी की बनावट कैसी हो सकती है, ठीक है, या ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या हो, अगर आपके बारे में जानना है तो आपके लगन को देखेंगे, वहां पर कौन सी राशि है, ठीक है, कौन से प्लैनेट बैठे हुए, किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस वहां पर है, तो वहां से पता लगेगा कि आप किस तरह के दिखते हो, आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, आपका करेक्टर क्या है, ठीक ये है। जब बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो लगन से आपका हेड देखा जाता है, हेड, शरीर, शरीर का कौन सा पार्ट, हेड, मस्तिष्क, ये जो हिस्सा ऊपर का हिस्सा है ये आपका, आप लगन से देखते हो। जातक का नेचर, स्वभाव मतलब है आपका बिहेवियर, करेक्टर, आप किस नेचर के इंसान हो ये आपको देखना है, तो कहां से पता लगा, लगन से, लगन में कौन सी राशि है उससे पता लगता है, तभी वो आपको पढ़ाएगी राशि कि राशि के करेक्टर क्या क्या है, कि बाले मूवेबल राशि आपके लगन में आ गई तो इसका मतलब स्वभाव कैसा बन गया आपका, आप स्थिर नहीं हो सकते, आप फिक्स नहीं हो, आपको हर वक्त चेंजेस पसंद है, आप टिक के बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको हर वक्त लाइफ में चेंजेस ज्यादा पसंद आएंगे, ये मतलब है, ठीक है। तो आपका स्वभाव, आपका नेचर, आप में जो एबिलिटी, गुण आपके, वो सब कहां से पता लगेगा, वहीं से पता लगेगा। फिर जीविका, जीविका मतलब प्रोफेशन, प्रोफेशन भी खुद, वैसे तो प्रोफेशन का अलग से हाउस है, लेकिन लगन, लगन क्या बताता है, आपकी नेचर बताता है, आपकी आपकी एबिलिटी बताता है, तो जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, उसी से रिलेटेड अगर आपके कर्म होंगे तो कितना बी बेस्ट कर पाओगे आप, ये मतलब होता है। तो इससे जीविका भी देखी जा सकती है, ये मतलब है। आपकी सोच कैसी है, तो ये राशि से पता लगेगा, लगन क्या, कौन सी राशि का है आपका, वहां पर किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो ये सारी आपकी थॉट क्या है वो आपका सब वहीं से पता लगता है, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात है, अच्छा या खराब स्वास्थ्य मतलब आपके पास आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है ना, आपकी आपके बीमारी कौन सी लग सकती है आपको, आपका टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, आप आपकी बॉडी में कितनी रेजिस्टेंस है बीमारी से लड़ने की, ये कहाँ से पता लगेगा, सारी बातें पता लगती हैं आपके लगन से। जिसका लगन स्ट्रांग होता है, लगन मैलेफिक प्लैनेट यानी कि पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब है बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, बाय डिफॉल्ट भगवान ने आपको एक अच्छी सेहत दी है, ठीक है, ये देख लेना।
तो लगन अगर अच्छा है, लगन पर पाप प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी जो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा कम है, आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो दुनिया में कोरोना हो रखा है, लेकिन जिसका लगन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उसका कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये भी मतलब। और कुछ लोग आपने देखा होगा जैसे मौसम बदलता है सबसे पहले बीमारी उनको लगती है, कोई बीमारी आएगी उनको जरूर होगी। तो जो लोग प्रेफरली बीमार पड़ते हैं वो तो दशाएं तो है ही है, लेकिन उनका लगन भी वीक है, ठीक है, लगन वीक है। तो लगन वीक होता है तो बीमारियां लगती हैं, आपका हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो हेल्थ कहां से देखेंगे, लगन से हेल्थ भी देखी जाती है। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जिसको बोलते हैं दूसरा भाव बोलो, सेकंड हाउस बोलो, ठीक है, या इसको धन भाव भी बोलते हैं, कहीं लिखा होगा धन भाव में ये प्लैनेट बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। तो ये तीन नाम से बुलाया जा सकता है उसको, सेकंड हाउस, दूसरा भाव या धन भाव। सेकंड हाउस से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, और ये तो मैं कम चीजें बता रहा हूँ, सैकड़ों चीजें देखी जाती हैं हर हाउस से, लेकिन अभी इतना ही पढ़ लोगे सीख लोगे, और उनको रटना नहीं है बच्चों की तरह, बस रोजाना पढ़ते रहो अपना आप चीजें, क्योंकि जीवन भर चलेगा तो अपना आप याद हो जाएंगे चीजें। बोलने की क्षमता, मतलब आपकी स्पीच की जो एबिलिटी है, मतलब आप कितना क्रिस्प क्लियर बोलते हो। कुछ लोग होता है वर्ड खा जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता, ठीक है, कुछ की स्पीच क्लियर नहीं है। दो तरह से स्पीच क्लियर नहीं है, एक तो स्पीच वैसे क्लियर नहीं है और किसी की भाषा ही खराब है, मतलब गाली के बिना बात नहीं करता। कुछ यहाँ बड़े सॉफ्ट बोलते हैं, है ना, बड़े आराम से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे मिठास उनके वर्डों में आ रही हो। कई बार कोई गाली भी देता है तो ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी लग रही है, जैसे लखनवी अंदाज में कुछ लोग बोलते हैं। तो कहां से पता लगता है कि आपका बोलने का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा बोलने का, और दूसरा आपकी आवाज जो है वो कैसी होगी, उसमें क्रिस्टल क्लियर होगी या टूट टूट के आएगी या बोलने में कोई कमी होगी। ये सारी सारी बातें आपके कुंडली के सेकंड हाउस से देखी जाती है। अब इसमें किसी और हाउस का रोल नहीं है, स्पीच कैसी होगी, तो जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, हमारे सेकंड हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई आपका भाषा आपकी कंट्रोल में नहीं है आपके। इसका मतलब जब आप बोलते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि गालियां कब दे देते हो, या गुस्से में आप बोलते हो, हमेशा एग्रेशन आप में रहता है, आपकी बोली में एग्रेशन है। अगर वहीं पर ही सॉफ्ट प्लैनेट बैठे होंगे, जुपिटर बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, अच्छे वाला बिना एफ्लिक्शन के, इसका मतलब है आपकी भाषा ऐसी है कि आप किसी को भी अपना बना लोगे अपनी भाषा से, ये मतलब है। तो सारी चीज कहां से देखी जाएंगी, वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी, कुंडली के सेकंड भाव, ठीक है। अर्जित धन, अर्जित धन का मतलब है आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ, इसको धन भाव भी बोला गया ना, अभी धन और भी कहीं से देखेंगे हम, लेकिन सेकंड हाउस से कौन सा धन देखा जाता है, एक्युमुलेटेड वेल्थ, ऐसी जमा पूंजी जो आपने खुद से इकट्ठी की है। और जैसे कुछ हम मान ले लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 खर्चा, 50 दिन जोड़ते हो ना, जमा करते हो, आप कोई शेयर लेते हो, कोई प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, कुछ भी इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर के लिए, तो वो वाला धन है सेकंड हाउस। तो इससे पता लगता है, कुछ लोग पूछ जाएंगे कि मेरे से धन जुड़ ही नहीं पाता, तो क्यों नहीं जुड़ पाता, कहां से देखोगे, वो सेकंड हाउस, कुंडली का सेकंड हाउस खराब है, इसका मतलब ये है कि आप धन नहीं जोड़ पाओगे। तो हम बताते हैं भाई, आपके नाम से धन की जोड़ ही नहीं सकते आप, तो दूसरे के नाम, अपनी वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से, पेरेंट्स के नाम से धन जोड़ो आप, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कहां से देखेंगे, सेकंड हाउस, और ये फिक्स है, मतलब किसी से भी ज्योतिष पढ़ोगे और जब तक पढ़ोगे वहीं से वो चीज लगाओगे, इसलिए मैं ज्यादा जोर देकर पढ़ा रहा हूं सारी चीज। अर्जित धन, मृत्यु, ठीक है, और मृत्यु भी यहां से देखी जा सकती है, लेकिन ये वो वाली मृत्यु नहीं है जो आप डेथ, अल्टीमेट डेथ सोच रहे हो, अल्टीमेट डेथ नहीं है। इसको सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस को ही बोला गया है, ये मोक्ष के भाव बोले गए हैं, या इनको एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इनको, मारक, यस मारक भाव है ये। जब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो मैं 12 भाव ऐसे पढ़ा रहा हूं, फिर हर भाव का एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप का एक नाम है। तो इसमें क्या, सेकंड एंड सेवंथ हाउस का एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है, मारक। मारक मतलब मारने वाले, तो हमेशा मारते नहीं है, लेकिन हाँ लाइफ में कई बार ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मृत्यु वो अल्टीमेट मृत्यु नहीं है, ये अल्टीमेट डेथ नहीं है, लेकिन मारक भाव है, इतना याद रख लो। आगे देखेंगे इसके एप्लीकेशन कैसे लगे। आप खाना पीना, खाना पीना मतलब खाना पीना नहीं है ये, खाना मतलब आपकी गुड और बैड फूड हैबिट्स, है ना। कोई पूछने आते हैं जी लिकर है, स्मोकिंग करता नहीं करता, तो कहां से देखेंगे आप, तो इसका मतलब खाने पीने की आदतें हैं वो आपकी, आप गलत खाते पीते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंक करते हो, या आप नॉन वेज ज्यादा खाते हो, या आप तला वाला या बासी खाना जो पहले से प्रिपेयर्ड फूड है वो ज्यादा खाते हो, तो ये कहां से देखेंगे, आपके टेस्ट क्या होगा,
तो यानी कि टेस्ट कहाँ से पता लगता है, ये भी सेकंड हाउस से पता लगता है। तो आपके खाने पीने की क्या आदतें हैं, आपको शराब कोड़ी तो नहीं लग जाएगी, ये सारी चीजें आपके कहाँ से देखें, सेकंड हाउस से देखें। आपकी दृष्टि, दृष्टि मतलब आपका विजन, आपकी दो आंखें हैं, ठीक है। ये दो आंखें क्या है, ये एक तो सूर्य चंद्रमा से भी देखते हैं, हम बताएंगे सूर्य चंद्रमा कारक है इस वजह से देखते हैं, लेकिन हाउस वाइज कैसे देखेंगे, जो आपका आपकी राइट आईज है, जो राइट आई है ये आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं, और जो आपकी लेफ्ट आई है ये आपकी कुंडली के बारहवें घर से देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड हाउस से कौन सी आंख और ट्वेल्थ हाउस से कौन सी आईज देखते हैं, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है जी आईज में प्रॉब्लम है, तो आप देख के बता दो कि सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है या ट्वेल्थ हाउस एफ्लिक्टेड है। दोनों से जो एफ्लिक्टेड होगा वो आईज उसकी खराब हो, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये मैं बता रहा हूं अभी, तो ऐसा नहीं कि वहीं से आप पकड़ पाओगे, इसके लिए और वर्गाचार देखेंगे, दशाएं क्या चल रही हैं वो आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी इनिशियल लेवल पर आपको ये पता होना चाहिए कि दाई आंख कहां से देखते हैं, कौन से घर से देखते हैं और बाई कौन से घर से। चेहरा, एक ओवरऑल चेहरा मतलब आपके जो पांचों सेंसेस हैं, अगर चेहरे की बात करनी है कि आप सुंदर दिखते हो नहीं दिखते, आपके नग्न नक्श कैसे होंगे, कुछ लोग पूछने आते हैं ना कि जी मेरा पार्टनर कैसा होगा, ठीक है। तो कई बार होता है या कुंडली आ गई, आप वैसे बच्चे के बारे में देखना है कि दूसरे बच्चे के बारे में आई ना कुंडली आ गई मिलाने के लिए, तो पूछ लेता है बंदा कि भाई देखने में कैसी है। तो ये सारी चीजें देखना मतलब नए नक्श, सारे फीचर्स कैसे हैं, शार्प हैं कैसे हैं, तो आपके टोटल ओवरऑल फेस के अगर आप देखना है तो सेकंड हाउस का एनालाइज करेंगे। सेकंड हाउस अच्छा है ना, कौन सी राशि बैठी है, अब उस राशि को पहचानना पड़ेगा, कौन से प्लैनेट है उस प्लैनेट को पहचानना पड़ेगा, उससे कलर, उससे फीचर्स पता लग जाएंगे आपके, कि देखने में बड़ा लगता है छोटा लगता है, फीचर्स शार्प है कैसे हैं, रंग कैसा होगा चेहरे का, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रकाश बदलते हैं कुंडली के सेकंड हाउस। परिवार, परिवार कौन सा परिवार देखेंगे, आपकी फैमिली, ये वो फैमिली है सेकंड हाउस जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, ये वो फैमिली है, तो उसके बारे में अगर जानना है तो देखिए ज्योतिष इतना बड़ा फील्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी कुंडली से आपके परिवार के बारे में बताया सकता है। सोचो ये कहां से पता लगेगा, कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं कि आपका परिवार कौन सा परिवार, वो फैमिली जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, आपकी बनाई हुई फैमिली नहीं, आपकी बनाई हुई फैमिली आएगी फोर्थ हाउस, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं वो है सेकंड हाउस। भोज्य या पेय पदार्थ, ये सारा आ गया, भोजन या पेय क्या लेते हो आप, क्या पीते हो, मुंह आपका, दांत, चल संपत्ति, ठीक है, वो आ गया। बोलने की ताकत, बताया था ना आपके बोलने की कैसी ताकत है आपकी, कैसा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, उसका उसमें कितने गुण है, बोल भाषा में आपकी कैसी भाषा यूज करते हो। दाई आंख आ गया ना, राइट आईज। वादे पूरा करने की क्षमता, ये भी ले सकते हो आप। कपड़े गहने ये छोड़ दो अभी, आप कपड़े गहने आभूषण ये छोड़ दो। मौखिक शिक्षा, सेकंड हाउस के क्या बोला गया, सेकंड हाउस को बोला गया है एजुकेशन का हाउस बोला गया, ये भी संस्कार, इसको एक बोला गया सेकंड हाउस का संस्कार, ये संस्कार का हाउस है। अब संस्कार का क्यों बोला है, कि ये परिवार का घर है आपका, जिस घर में आप पैदा हुए हो, तो जैसे जो बचपन में संस्कार देते हैं ना आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड फादर मदर, आपके ताया चाचा, है ना, परिवार में इतने सारे बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, ये बोलो ऐसा करो वैसा करो, ये शिक्षा देते हैं बचपन में, तो ये सारे संस्कार जो बचपन में आपको दिए जाते हैं वही 3-4 साल 5 साल की एज तक, ठीक है, वो कहां से देखेंगे कि आपके संस्कार कैसे हैं। और साइंस इस बात को मानती है कि 5 साल के बच्चे में जो पैटर्न बन गया उसको आप जीवन में मिटा नहीं सकते कभी भी, उसको कम और ज्यादा कर सकते हो आप, इसलिए बोला गया है कि तभी बोला गया ना कि हमेशा बच्चा मदर के पास रहना चाहिए पैदा होने के बाद, क्योंकि मदर उसको शिक्षा देती है। पहला गुरु किसको बोला गया है, माँ को, तो उसकी जो नींव रखती है ना वो बड़ा होके बनेगा क्या, उसकी माँ बचपन में रख देती है, अच्छा माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो दैट मीन बड़ा होकर बच्चा बहुत कुछ बनने वाला है, उसका पैटर्न बन चुका। साइंस मानती है इस बात को कि बच्चे में जो पैटर्न बन गए ना, जिस तरह से माइंड डेवलप हो गया बच्चे का 5 साल के, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, वो पैटर्न बन गया, वो फिर इनहेंस होता रहता है, बस ये मतलब है। तो हम ये देखते हैं कि किस में कैसे संस्कार डले हैं, संस्कार का मतलब अच्छे संस्कार दिए होंगे तो कोई गलत काम नहीं करेगा, और बुरे संस्कार हैं तो गलत काम करेगा। तो आपको संस्कार कैसे मिले अपने परिवार से वो देख रहे, तो वो भी सेकंड हाउस से देख। टेस्ट, आपका टेस्ट कैसा है, ये मैंने बता ही दिया, टेस्ट भी आपका सेकंड हाउस से देख, ठीक है, और बस अभी यही छोड़ दो।
कुंडली का थर्ड हाउस, कुंडली के थर्ड हाउस से आप क्या देखेंगे, कुंडली के थर्ड हाउस से देखते हैं आपके दायां हाथ, ठीक है, आपके जो हैंड है, बताया था ना आगे, आपकी पूरी के बॉडी के आउटर ऑर्गन और इनर ऑर्गन सभी के सभी आप किसी ना किसी भाव से देखते हैं। जैसे आपको क्या अभी ये आउटर ऑर्गन बताया हाथ, ठीक है, अभी और बहुत सारी चीजें हो जो इनर ऑर्गन भी है वो भी किसी ना किसी हाउस से देखे जाते हैं। अब हाथ क्या, दो हाथ हमारे लेफ्ट और राइट, ये क्या आउटर ऑर्गन है हमारे, ठीक है, बाहर दिख रहे हैं। तो जो हमारा दायां हाथ है, राइट हैंड है, वो कहां से देखेंगे हम, वो देखेंगे थर्ड हाउस से। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो कहां से देखते हैं, वो देखते हैं हम इलेवंथ हाउस से। तो आपका दायां हाथ, छोटे भाई बहन मतलब आपके जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, वो कहां से देखे जाएंगे, वो भी छोटे, तो वो देखे जाएंगे आपके कुंडली के थर्ड हाउस से। तो मान लीजिए आपकी कुंडली मेरे सामने है, और अगर आप अपने भाई बहन के बारे में पूछना चाहते हैं, छोटे भाई बहन के बारे में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तो कहां से देखूंगा मैं, कुंडली के तीसरे घर को एनालाइज करूंगा। तो आप ये याद करो अभी कौन सी चीजें कौन से घर से देखी जाती है, ठीक है, तो थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। मानसिक और शारीरिक पराक्रम, यानी कि एक आप में स्ट्रेंथ होती है, हर इंसान में वो जज्बा होता है कि करेज, एक होती है ना करेज, वो करेज कितनी है आपके अंदर, आप करेजियस हो या नहीं हो, क्षमता है ना, जज्बा कितना है आपके अंदर किसी भी चीज को लड़ने का, किसी चीज को भी चीज को देखने का, ठीक है। तो पराक्रम, कितना पराक्रम है अंदर, कितना करेज, करेजियस कितने हो आप अंदर से। कई बार होता है ना, कुछ लोग आपने देखा होगा कि छोटी सी मुसीबत आई और सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे इमोशनल है, कैसे भी रिलेशनशिप है, वो डट के मुकाबला करते हैं, है ना, कहते कोई बात नहीं, देखी जाएगी, करेंगे, झेलेंगे। तो ये जो जज्बा आता है कि सरेंडर कर देता है कोई, कोई कहता नहीं मैं लड़ूंगा, तो ये जज्बा कहां से आता है, देखा जाए थर्ड हाउस से। अगर थर्ड हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये समझ लेगा आप कभी हिम्मत नहीं आते, है ना, और आपको पता है जो कोई हिम्मत नहीं हारेगा, सक्सेस उसको आज नहीं तो कल मिलती मिलती है, हम सरेंडर कर देते हैं इसलिए सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये चीजें कहां से देखी जाएंगी, कुंडली के थर्ड हाउस से देखेंगे। माता पिता की मृत्यु, ये छोड़ दो अभी, कंधे आपके शोल्जर, ठीक है, तो शोल्जर आपको कहां से देखने हैं, ये भी थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। सुनना, आपका जो ईयर्स हैं इसका विचार कहां से करेंगे, ये भी थर्ड हाउस से देखेंगे। आपके कान, गर्दन, गला, ठीक है, ये सारा बॉडी का पार्ट, ये ठीक है, ये सब कहां से देखी जाएगी, ये आपके कुंडली के थर्ड हाउस से देखी जाएगी। तो अगर मान ले गले में कोई बीमारी है, तो जब तक थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होगा तो गले की बीमारी नहीं हो सकती, ये भी मतलब। संपत्ति का बंटवारा ये छोड़ दो अभी। यात्रा, अब यात्रा कौन सी यात्रा है, थर्ड हाउस है आपकी छोटी यात्राएं, ठीक है, हम दो तरह की यात्राएं कर सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है हमारी, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है। तो जो डेली लाइफ की रूटीन की जर्नी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, वो हम देखते हैं थर्ड हाउस से, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो देखते हैं नाइन्थ हाउस। आपकी हिम्मत बताई दिया, पौरुष, लेखनी, लिखना, राइटिंग स्किल, ये कहां से देखेगी, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। तो मान लिया आपने कोई बुक लिखनी है, तो आप पूछने आ सकते हैं ना कि मुझे बुक लिखनी है, मैं कब कब लिख पाऊंगा अपनी बुक, जब थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट होगा तब आप राइटिंग कर सकते हो, तब आप कुछ लिख कर जाओगे, ये भी मतलब है इसका। खेलकूद, खेलकूद, अब मान लिया कोई बच्चा पूछने आए, ये स्पोर्ट्स का हाउस भी है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है, फिजिकल एफर्ट्स का हाउस भी है। अब कोई भी स्पोर्ट्स में आप जाना है बच्चे ने, तो कुछ पेरेंट्स पूछने आएंगे बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है, नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स का मतलब है सिर्फ चेस को छोड़ दो, बाकी हर एक के अंदर सिर्फ फिजिकल एनर्जी लगती है, मेंटल तो लगती लगती है, छोड़ दो हर काम में लगती है, लेकिन हर स्पोर्ट्स में फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। मेंटली आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर फिजिकल वीक है तो कोई सिलेक्शन लेगा नहीं आपको, क्योंकि वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, करना है वो भी, लेकिन पहले फिजिकल का इस्तेमाल करना। तो हर स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए आपने। फिजिकल स्ट्रेंथ कहां से आएगी, फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी थर्ड हाउस से, ठीक है, तो थर्ड हाउस से फिजिकल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, तो उससे आपकी खेलकूद यानी कि आपके स्पोर्ट्स भी वहीं से देखे जाते हैं। आस पड़ोस, पड़ोसी के बारे में जानना है तो भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। थर्ड हाउस अच्छा है तो पड़ोसी वाले, पड़ोसी से संबंध भी आपके अच्छे होंगे। अगर थर्ड हाउस वीक है ना, एफ्लिक्टेड है, तो आपके पड़ोसी झगड़े भी होते रहते होंगे। तो देखो कुंडली कितनी मजेदार है, आपके पड़ोसी तक के बता देते हैं कि क्या रिलेशन है, आप तो दूर की बात है, सोचो आपके भाई बहन के बारे में बताया जाता है कुंडली के माध्यम से। छिपी हुई क्षमताएं वो है इनबॉर्न क्वालिटी, हर इंसान के अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो भगवान देकर भेजता है, जो कभी डेवलप नहीं कर सकते आप, उसको कम और ज्यादा कर सकते हो, है ना। कोई भी एक आप में आर्ट है,
कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, कोई भी ऐसी आर्ट जो कि बचपन में आपके पास है, वो सिखाई दो ना किसी ने, कहां से आई वो, ईश्वर ने दिया, तो वो आपको कहां से पता लगे, वो कुंडली के थर्ड हाउस से पता लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कुंडली के तीसरे घर से देख सकते हो। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है उससे क्या देखेंगे, आपकी चेस्ट, वाहन। फोर्थ हाउस को एक तरह से बोला गया सुख स्थान है वो, आपका सुख का स्थान। आप सुख किससे मिलता है आपको, आपको पता है सारी मटेरियल वर्ल्ड से आपको सुख मिलता है, तो जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो सारे फोर्थ हाउस से आएंगी। आपके वाहन, रहने की जगह, ठीक है वो छोड़ दो अभी, सुख सुविधाएं, मकान, चल अचल संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स, आपके व्हीकल्स, ठीक है। तो ये सारी क्या मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, तो ये आपको सुख देती हैं। तो ये सारी चीजें कहां से देखेंगे आप, कुंडली के फोर्थ हाउस से देखी जाती है। दूसरा क्या, माता। तो कुंडली को सुख स्थान इसलिए भी बोला गया है फोर्थ हाउस को, क्योंकि ये माँ का घर भी है, और इस संसार के अंदर माँ से बड़ा सुख कोई नहीं है, ठीक है। माँ का सुख सबसे बड़ा सुख है इस संसार के अंदर। तो माँ को भी अगर माँ, आपकी माता के बारे में एनालाइज करना है, उनका उनके बारे में देखना है, तो फोर्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। तो कुंडली से फोर्थ हाउस से माँ का विचार किया जाता है। भूमि जायदाद सब बता दिया। बचपन का घर, बचपन का घर क्या मतलब है, तो घर है मतलब, बचपन का घर नहीं है, घर है बस, ये छोड़ दो। कृषि, कुआं, ये सब छोड़ दो अभी, फसल, खेत, ये सब छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ दो। आगे फिफ्थ हाउस, कुंडली के पांचवें घर से क्या देखेंगे फिफ्थ हाउस से हम, आपके मानसिक कर्म है ना, आपकी मेंटल एबिलिटी, ये मतलब है इसका। मानसिक कर्म का मतलब है आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी सोच कैसी है, कितना सोच पाते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्या है, कितने इंटेलिजेंट है आप, ये कहां से पता लगेगा, कुंडली के फिफ्थ हाउस से पता लगता है। कुंडली का फिफ्थ हाउस अच्छा है तो इसका मतलब मेंटल लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी मतलब है। इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कहां से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से। आपके हृदय यानी कि आपका जो हार्ट है वो फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस दोनों में आता है, तो जब तक आपका कुंडली का फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड नहीं होगा आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी मतलब है कि कौन से बॉडी पार्ट को कहां से देखेंगे आप। विवेक, ठीक है, दूरदृष्टि, तो क्या मतलब है विवेक का, मतलब होता है कितना आप में सहनशीलता कितनी है, ठीक है, एक सब चीजें फिफ्थ हाउस से आएंगे आप। पूर्व जन्मों में शुभ कर्म, तो फिफ्थ हाउस से आप ये भी देखते हो कि लास्ट जर्नी में हमारे कर्म कैसे थे, तो वो कहां से देखेंगे, वो कुंडली के फिफ्थ हाउस से आप देखेंगे, ठीक है। आपका चरित्र कैसा है, गर्भधारण, तो फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है, तो फिफ्थ हाउस से बहुत चीजें देखी जाती है। आपके बारे में देखना है तो आपकी मानसिक कर्म, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है, आपकी और आपके क्या देखा जाएगा, आपके संतान, आपके संतान के बारे में जानना है या संतान के बारे में विचार करना है कि बच्चे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, लायक निकलेंगे, नालायक निकलेंगे, कब होंगे, इन सब का विचार कहां से किया जाएगा, आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस से, वहां से किया जाएगा। प्रेम संबंध, ठीक है, आपके प्यार मोहब्बत की चीजें देखनी है तो वही फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, प्यार मोहब्बत का भी, प्रेम का भी। सट्टेबाजी, देखो अगर किसी कोई बच्चा पूछने आए या कोई पर्सन पूछने आए कि मैं गैम्बलिंग में मैं अपना डेस्टिनी को आजमाना चाह रहा हूँ कि मैं गैम्बलिंग कर सकता हूँ, अब गैम्बलिंग कहाँ से देखी जाती, गैम्बलिंग भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती, ठीक है। स्पेकुलेशन, जितनी तरह की गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी जिसमें रिस्क रहता है हार जीत का या पैसे कमाने का, वो कहाँ से देखी जाएगी, फिफ्थ हाउस से। अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो सट्टेबाजी में जाओगे तो आप कमा पाओगे, नहीं तो अगर फिफ्थ हाउस अगर वीक है, कमजोर है आपका, तो सट्टेबाजी आपको सूट नहीं करेगी। और जिगर, पित्ताशय, ठीक है, ये मेडिकल टर्म्स हैं आपके बॉडी पार्ट की, तो यहाँ से देखिए थे गर्भधारण से जुड़ी समस्याएं, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे, तो कहना कि फिफ्थ हाउस में कमी है, इस वजह से नहीं आप देख पा रहे, बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे। तो इतनी सारी विचारों कारों काम का विचार आप फिफ्थ हाउस से करते हो। सिक्स्थ हाउस क्या है, सिक्स्थ हाउस के बारे में एक ही चीज बोली गई है, रोग, रिपु और ऋण, मतलब कहीं पढ़ेंगे ना आप, कोई लिटरेचर पढ़ते हो, ये ऐसे लिखा मिलता है, रोग, रिपु, ऋण का हाउस है सिक्स्थ हाउस। रोग का मतलब है डिजीज, तो सारी जितनी तरह की डिजीज है वो कहां से देखी जाएंगी, कुंडली के सिक्स्थ हाउस से। रोग, रिपु, रिपु का मतलब है दुश्मन, आपके एनिमी, जो जितने भी आपके एनिमी है, ठीक है, वो कहां से देखे जाएंगे, वो आपके देखे जाएंगे कुंडली के सिक्स्थ हाउस।
और ऋण मतलब आपके डेट्स, जितने भी लोन है डेट्स है आपके ऊपर, ये इन सब का विचार कहां से किया जाता है, सिक्स हाउस से। अगर छठा घर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब दुश्मन आप पे कभी हावी नहीं हो सकता, बीमारी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती, और अगर लोन लेना है तो लोन भी आराम से मिल जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा या कब तक मिलेगा, तो जब आपका सिक्स हाउस एक्टिवेट होगा तब लोन मिल जाएगा, ठीक है। इन जनरल सिक्स हाउस को अच्छा हाउस नहीं माना जाता। अभी हम ये भी इन हाउस को बाइफर करेंगे, कौन से अच्छे हाउस है कौन से बुरे हाउस है, तो उसको भी हम बताएंगे आगे। लेकिन तीन चीज याद रख लीजिए सिक्स हाउस के लिए, रोग रिपु ऋण, डिजीज एनिमी एंड डेट्स या लोन, आपके जितने वो कहां से मिलेंगे, सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस अगर अच्छा है तो तभी लोन मिलता है आपको, तो कितना बढ़िया हाउस है वैसे, कि सिक्स हाउस के बिना आपको लोन भी नहीं मिलेगा। कोई भी कंपटीशन क्लियर करना है, जहां पर भी कंपीट करना है किसी को, कंपटीशन लड़ना है किसी के साथ, कोई फाइट करनी है, तो सिक्स हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो देख लो कोई बच्चे जैसे IIT में जा रहा है, अगर सिक्स हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी की दशा चल रही है, तो कहना कि वो उस पैटर्न को या उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो वहां भी क्या हो रहा है, कंपीट कर रहा हो ना दूसरे लोगों से, कंपीट करके आपको आगे आना है उसे, तो वो भी चीज कंपटीशन लड़ने के लिए, उसमें विन करने के लिए आपको सिक्स हाउस का अच्छा होना जरूरी है, ये मतलब है। ये आ गया दुर्घटना, दुश्चिंता, ऋण, बीमारियां, दुश्मन, ये सब बता चुका। मुकदमे, अब मुकदमे भी क्या है, दुश्मन है आपका, तभी तो आपके जितना लिटिगेशन है कहां से आएगा, लिटिगेशन कहां से देखोगे, मुकदमे कोर्ट कचहरी वो सिक्स हाउस से आएगा। जब सिक्स हाउस एक्टिवेट होता है तो आपको मुकदमा हो सकता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो जीत जाओगे, वीक है तो हार जाओगे, सिंपल सी बात है। मामा मामी, अब सोचो आपकी कुंडली से आपके मामा मामी बता रहे हैं हम कि उनके बारे में क्या क्या चल रहा है आजकल, कितनी बड़ी बात है। सोचो मामा मामी, किसी डॉक्टर के पास जाके बोल दो बताना यार मेरे को देख के मेरे मामी का क्या हाल है, मेरे मामा कैसे होंगे, मेरा थप्पड़ ही मारेगा। तो ज्योतिष कितना बड़ा फील्ड है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फिर आप सोचते हो कि एक दिन में आ जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगाना पड़ता है। मामा मामी कैसे आए, अब ये भी बता देता हूँ। जैसे आपका, आप क्या हो, आप लगन हो, पहला घर हो आप लगन हो आप, और आपके छोटे भाई बहन कौन से हुए, आपके लगन से तीसरा भाव, बताया था ना थर्ड हाउस, तो आपके छोटे भाई बहन। इसी तरह से आपकी माँ का घर कौन सा है, मतलब मामा कौन हुए आपके, माँ के भाई बहन। अब आपको माँ का घर पता है, माँ का घर कौन सा होता है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से तीसरा घर देख लो, जैसे आपके भाई बहन देखने हैं तो लगन से तीसरा घर, आपके माँ के भाई बहन देखने हैं तो माँ के घर से तीसरा घर देख लो। तो माँ का घर कौन सा होता, चौथा, उससे तीसरा घर कौन सा होगा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सिक्स हाउस क्या हुआ, आपकी मदर के भाई बहन हो गए, ठीक है। तो क्या मतलब है, तो आपके मामा, मामी नहीं आएगी यहां, मामा देखेंगे यहां से, ठीक है, मामी गलत लिखा है, मामा यहां से आएंगे। जब एक बार मामा पकड़ में आ जाएंगे तो मामी भी पकड़ में आ जाएगी। इतनी बढ़िया कुंडली है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि एक कुंडली से कैसे कैसे देख सकते हैं, और सारी सटीक होती है, देखने वाला होना चाहिए, हमारी इतनी नॉलेज नहीं हो पाती एक एक जर्नी के अंदर कि हम इतनी सारी चीज पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, ये मतलब है। वरना एक कुंडली से आप पूरे संसार के बारे में बता सकते हो, पूरे संसार के बारे में। पेट का मध्य भाग, जो पेट है आपका, जो स्टमक है आपका, जो पूरा स्टमक है, इसमें लोअर इंटेस्टाइन होता है या अपर पार्ट पेट का, लोअर मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट, पूरा पेट है ना आपका, तो तीन पार्ट हो सकते हैं इसके। तो जो पेट का अपर पार्ट है वो आपका सिक्स हाउस से देखा जाता है, ठीक है। इस तरह मिडल पार्ट होगा वो सेवंथ हाउस में चला जाएगा, और लोअर पार्ट है आपका जहां पर आपके वो अपने प्राइवेट ऑर्गन आपके होते हैं बॉडी पार्ट के, तो वो एट्थ हाउस में आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो कौन सा हाउस वीक है, बीमारी वही वही लगेगी आपको, ये भी मतलब है इसके। छोटी आते, दैनिक काम, ठीक है। तो आपका कर्म, जो भी आप कर्म करते हो तो सिक्स हाउस से करते हो, जितनी भी एक्टिविटी करते हो डेली के काम जो आप कर रहे हो सिक्स हाउस से देखे आप। चोरी, जब कभी चोरी देखनी होगी तब भी सिक्स हाउस देखेंगे, कोई इल्जाम आपके ऊपर लगा है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा है, तो भी सिक्स हाउस से देखेंगे। संघर्ष, कोई चोट, जब भी आपका एक्सीडेंट होगा, ये मान लीजिएगा एक्सीडेंट कभी भी होगा और ब्लड निकला है, तो सिक्स हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता आपका, ठीक। तो एक्सीडेंट कहां से देखेंगे, सिक्स हाउस से देखेंगे। कोई भी नुकसान होगा तो भी छठा घर इन्वॉल्व होता है, कोई दर्द है आपको तो भी सिक्स हाउस, कोई चिंता है तो भी सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस से आप देख लो मैक्सिमम नेगेटिव चीजें आ रही हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, दूस्थान,
मतलब ये अच्छा स्थान नहीं है, ये इसको बुरा भाव बोला गया है। चिंता, बाधाएं, निराशा, ये सब चीजें देखी गई हैं। सोते ली मां छोड़ दो अभी। पालतू जानवर, अब कोई पूछे जी मैं मेरे को पेट्स पालना मेरे को सूट करेगा नहीं करेगा, तो आप देख लो अगर सिक्स हाउस अच्छा है तो आप पेट पाल सकते हो, ठीक है। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस से आपके नौकर नौकर भी देखे जाते हैं, आपके सबोर्डिनेट, तो आपके अपने नौकर से कैसी रहेगी, नौकर आपके घर में टिकेंगे नहीं टिकेंगे, बिजनेस में जॉब में आपके सबोर्डिनेट आपका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो आपका सारा सारा सिक्स हाउस से देखा जाता है। सोचो कितना बड़ा चीज देख सकते हैं। कफ रोग, क्षय रोग, शल्य चिकित्सा, मतलब कोई भी अगर सर्जरी आपकी होगी, कोई काटा पिटी आपकी बॉडी की बॉडी में होगी, तो बिना सिक्स हाउस के नहीं होगी। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस से क्या चीज देखी जाती है? कुंडली का सातवां घर है उसको बोला गया जीवन साथी। जीवन साथी बोल सकते हो या मैं बोलता हूं एक चीज पार्टनर। सेवंथ हाउस क्या आपके पार्टनर का हाउस है। अब वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो वो पार्टनरशिप का घर है सातवां घर। अब शादी क्या है? शादी हमारी लाइफ टाइम की पार्टनरशिप है, किसी से हमने पार्टनरशिप कर ली और लाइफ टाइम के लिए करी है ना, फेरे लिए, प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि जीवन भर साथ रहेंगे जब तक जीवन है, वो ठीक है। आप नहीं निभाते उस बात को, तो हमारे यहाँ तो डिवोर्स था ही नहीं 1950 से पहले, डिवोर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, हमारे कहीं लिटरेचर में डिवोर्स लिखा नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ तो है एक ही शादी होगी, अगर वो जब तक है तब तक है, नहीं अगर भगवान को प्यारी हो गई तो दूसरी शादी नहीं होती थी, शादी एक बार होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जीवन भर का साथ है हस्बैंड वाइफ का, डिवोर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं अंग्रेजी कहां से लेकर आ रही है डिवोर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा था ही नहीं, ये शादी एक बस। तो जीवन साथी पार्टनरशिप आपकी, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, आपका स्पाउस वो सेवंथ हाउस देखेंगे। मृत्यु, मृत्यु बताया ना, सेकंड एंड सेवंथ हाउस को मारक स्थान बोला गया, तो अल्टीमेट डेथ नहीं है, ये ऑब्स्टेकल हो सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब डेथ के समान वाले कष्ट को आ सकते हैं इन हाउस। स्त्री या पुरुष के कामानंद, तो जो फिजिकल डिजायर हमारी है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है या सेक्सुअल जो डिजायर है, वो भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। व्यापार में भागीदार, देखो जीवन साथी क्या है, जीवन का भागीदार, और यहाँ क्या है, व्यापार का भागीदार। बात तो एक ही है, दोनों में पार्टनरशिप है, वो ये लाइफ लॉन्ग है, ये बिजनेस की, तो कोई भी पार्टनरशिप सेवंथ हाउस से देखते हैं। अगर सेवंथ हाउस आपका अच्छा है तो आपकी बिजनेस पार्टनर पार्टनरशिप भी चलेगी और लाइफ की पार्टनरशिप भी चलेगी आपकी, ये नोट कर लेना। पेट का निचला पार्ट बताया ना, पेट के कुछ पार्ट आपका सिक्स से है, कुछ सेवंथ से है, कुछ एट हाउस भी है। अनैतिक संबंध, तो आपके जो संबंध है मतलब आपके रिलेशनशिप है, जो अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है किसी के देखने है, तो कहां से देखेंगे, वो सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। व्यापार मतलब बिजनेस डील, बिजनेस में आप कैसे डील करोगे, कैसा बिजनेस रहेगा आपका, वो भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। विवाहोत्तर प्रेम संबंध मतलब विवाह के बाद आपके कैसे संबंध रहेंगे लव के लिए, तो सारी सारी चीजें सेवंथ हाउस से एनालाइज किया जाती है। आपकी डिजायर, क्योंकि सेवंथ हाउस क्या है, डिजायर का हाउस है। 3, 7, 11 ये तीन हाउस, थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस, इनको बोला गया है डिजायर वाले हाउस है। यहाँ से डिजायर देखी जाती है आपकी। विदेश यात्रा, तो यहाँ से विदेश यात्रा भी देखी जा सकती है। यात्रा के अन्य यात्रा चलो छोड़ दो, आपके गुर्दे, कामिच्छा, आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कहां से देखिए, सेवंथ हाउस से देखी जाएगी। विवाह, जीवन साथी का चरित्र, आपके पार्टनर का करेक्टर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो कहां से देखी जाएंगी, वो सारी चीजों का विचार आपके कुंडली के सेवंथ हाउस से किया जाएगा। छिपे हुए प्रेम संबंध, ये सारी चीजें। प्रत्यक्ष दुश्मन, प्रत्यक्ष दुश्मन का मतलब है ओपन एनिमी, सिक्स्थ हाउस कहता है हिडन एनिमी है, वो आपको पता नहीं कौन है आपके, लेकिन सेवंथ हाउस क्या है, आपके ओपन एनिमी है। तो इसलिए हंसी मजाक में बोला जाता है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपका पार्टनर होता है, और वो भी ऐसा दुश्मन है कि जिसके बाद आप लड़ते भी हो और फिर रात को एक ही बेड पर सोते हो, ठीक है। तो क्या प्रत्यक्ष दुश्मन, सामने दुश्मन देखना है आपने, तो सेवंथ हाउस को प्लेस कर। झगड़ा, ठीक है, मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग, वीर्य, शुक्र संबंधी धर्म, मूत्राशय, अंडकोश, ठीक है, ये सारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है हमारे, वो सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। अब आठवां घर, कुंडली का आठवां भाव, इन भावों को अगर समझ लिया ना, कौन सी चीज कहां से देखी जाती है, तो आधा ज्योतिष तो वैसे ही उतर जाता है दिमाग में। आठवां घर का मृत्यु, अब इसको मृत्यु बोल लीजिए या आयु का भाव, हम पॉजिटिव सेंस में इसको आयु का भाव भी बोल देते हैं, एक ही बात है कि आयु कितनी है या डेथ कब होगी, तो डेथ आपकी होती है या आयु कितनी है, वो एट्थ हाउस से देखी जाती है।
दुर्घटनाएं, सिक्स्थ हाउस भी ऑब्स्टेकल है या दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, एट्थ हाउस क्या और बड़ा वाला एक्सीडेंट, बड़ी वाली ऑब्स्टेकल। सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस को समझो पहले, जो सारी चीजें सिक्स्थ हाउस से आती हैं वो छोटे रूप में आते हैं, बीमारी आएगी छोटी आएगी, क्योर हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन भी लंबी नहीं होगी और क्योरेबल होगी। लेकिन एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस से बीमारी आएगी बड़ी वाली आएगी और देर में ठीक होगी, इनक्योरेबल होगी। कंगाली बाहरी कामंग, तो जो बाहरी कामंग कौन से होते हैं, मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एट्थ हाउस से देखते हैं, फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो सेवंथ हाउस से विचार किया जाता है। उत्तराधिकारी, तो जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कुछ लोग पूछने आएंगे आपसे कि जी पारिवारिक प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। अब उसके रिलेशन अच्छे होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुंडली का आठवां अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यह है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है, उसमें आपको हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले में नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, लेट हो गए लेकिन सर आप साथ हो जाइए, बताओ 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 कोई नहीं, अच्छा बना दिया ना, बट ठीक है उसमें डाल दिया आपने, अब लिंक भी तो डालना था ना, टाइम से देते तो मैं लिंक तो डाल देता। हेलो 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 हेलो, हाँ जी ठीक है। तो आठवां घर जो आप ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हो, ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, ईश्वरीय विद्या कोई भी पढ़ते हैं, बिना एट्थ हाउस के नहीं पढ़ सकते। तो जहां एट्थ हाउस बुरा है वहां अच्छा भी है, लेकिन बुरी चीजें भी आती हैं, इसको भी बुरा हाउस बोला गया, लेकिन अच्छा भी है। तो अध्यात्म में जाओगे तो बिना एट्थ हाउस के नहीं जा पाओगे, कोई रिसर्च करनी है आपको तो बिना एट्थ हाउस के रिसर्च भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑकल्ट साइंस पढ़नी है अगर ओकल्ट में अच्छा करना चाहते हो, तो जब तक एट्थ हाउस अच्छा नहीं होगा ओकल्ट में अच्छा नहीं कर सकते। जितनी भी सारी विद्याएं हैं ये ईश्वरीय विद्याएं वो सारी एट्थ हाउस में देखी जाती है, ठीक है। ओके, यहां तक पहुंच गए थे। मुकदमा रहस्य है एट्थ हाउस को, ये जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ये पराशर ऋषि सिस्टम पढ़ रहे हैं, पराशरी सिस्टम, वैदिक पराशरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब पराशर ऋषि द्वारा लिखा गया ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ज्योतिष तो और भी बहुत है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक बोलो या एक सबसे ज्यादा प्रचलित बोलिए वैदिक सिस्टम में पराशर सिस्टम है, ठीक है। पराशर ऋषि ने लिखा है इसको, उन्होंने भी एट्थ हाउस को क्या लिखा जाते आते हैं ये लिख दिया कि इस हाउस के बारे में वो भी ज्यादा नहीं लिख पाए, मतलब वो भी ज्यादा जान नहीं पाए। तो क्या है, एट्थ हाउस रहस्य का हाउस है, इसको कितनी डेप्थ है इसके अंदर,
इतनी डेप्थ है कि कोई इसकी तह तक नहीं पहुंच पाया। डेप्थ रहस्य, रहस्य लिख के छोड़ दिया, जब रहस्य तो रहस्य ही होता है, आपको पता है, ठीक है। तो रहस्य का हाउस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लगन क्या होता है, आप खुद, अगर उसका लॉर्ड मतलब वहां पर जो राशि बैठी होगी उस राशि का एक स्वामी है, मैंने बताया आपको पहली क्लास में कि हर राशि का एक लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, वो जाके अगर एट हाउस में बैठ जाए तो क्या मतलब है, आप लगन का जो मालिक है, लगन हो गया ना, लगन मतलब आप, आपका मालिक जिससे आप गवर्न हो रहे हो, वो आ जाके आठवें घर में बैठ गया। इसका मतलब है आपकी नेचर कैसी हो जाएगी, आप रहस्य वाली नेचर है आपकी, सस्पिशियस, ठीक है। ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को नहीं दिखाते मैं क्या हूं, जो लोग बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, मतलब उनको जानना, उनको पहचानना कि दिल दिमाग में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल है कुछ लोगों के, तो कौन लोग होते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं। और एक बात तो ये तो बोल ही देना कि भाई आपको पहचानना ही मुश्किल है, आपको जानने में कोई जान नहीं सकता आपको, जिसका लगन लॉर्ड एट हाउस में बैठ जाए, रहस्य के हाले हाउस में आपका लगन का स्वामी बैठ गया, तो क्या मतलब है आप रहस्य वाले बंदे हो गए, रहस्य तो पता ही है आपको, जान नहीं सकते कोई, तो आपको कंप्लीटली जानना बड़ा मुश्किल है, ये तो बोल ही देना, ठीक है। गहरी मानसिक चिकित्सा, छेद दरार, ठीक है छोड़ दो छेद दरार, ये क्या है, ये वास्तु में लगती है कई बार चीजें। दीर्घकालीन बीमारियां, सोचो दीर्घकालीन का मतलब है लॉन्ग चलने वाली, मतलब लंबी चलने वाली बीमारी जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, इनक्योरेबल, और जो सालों साल चलती है। सिक्स हाउस से कौन सी बीमारी आ रही है, छोटी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारी हुई और जो कम दिन चलती है वो खत्म होगी, ठीक होगी, ठीक। एट हाउस से क्या आएगा, तो बीमारी आएगी इनक्योरेबल, जिसको क्योर नहीं किया सकता, और वो भी लंबी चलने वाली बीमारी, तो आप समझ सकते हैं लंबी चलने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो सारी सारी बीमारी एट हाउस से आएंगी। निचली भूमि पर स्थित संपत्ति, छोड़ दो ये भी, मंगल सूत्र, अब देखिये एट हाउस मंगल सूत्र बोला गया है, अब मंगल सूत्र कौन पहनता है, फीमेल, तो इसका मतलब है लड़कियों के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में एट हाउस को क्या बोला गया, मांगल्य स्थान, मंगल सूत्र मतलब मांगल्य, आपकी विवाह की आयु या विवाह के बारे में, विवाह आपकी मैरिज की प्रॉस्पेरिटी फीमेल के मामले में, वो कुंडली के आठवें घर से भी देखी जाती है। कोई घोटाला मतलब कोई बहुत बड़ा स्कैंडल, स्कैम करोगे ना, तो बिना एट हाउस के नहीं होगा। अचानक या बिना उम्मीद के मिलने वाला धन, हाँ ये भी बहुत अच्छा। वैसे तो एट हाउस क्या है, अचानक है, एट हाउस क्या है, सडननेस है, एक बार याद रखो एट हाउस के बारे में, एट हाउस इज सडननेस, अचानक आएगा, अचानक कोई भी चीज, कोई बहुत बड़ा लाइफ में बदलाव आया ना आपके, बिल्कुल बदलाव। एक तो होता है चीज भाई, आप आपने आपने ट्वेल्थ की है तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में आओगे, आपने बच्चा कंसीव कर लिया तो बच्चा डिलीवर होगा, मतलब कोई ऐसी चीज रूटीन में आ रही है वो हो जाएगी कभी ना कभी, आप भी नहीं होगी थोड़े दिन बाद हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसी चीज लाइफ में ऐसा इवेंट आपके घटा जो सोचा ही नहीं था आपने, बहुत भारी नुकसान हो गया, अच्छा वाला बिजनेस चल रहा था पता नहीं क्या हुआ यार एकदम से बैठ गया, अचानक कोई लॉटरी लग गई, अचानक मतलब कोई भी चीज अचानक हुई है जो अनएक्सपेक्टेड है, वो सारी सारी घटनाएं आठवें घर से होती हैं, तो उन सबका कारक है आठवां घर, एट हाउस। बिना उम्मीद के अचानक कोई भी काम होता है, फिर धन, ऐसा धन एट हाउस से कौन सा, ये भी धन हाउस है एट हाउस, ये कौन सा धन है, सेकंड हाउस क्या था, आपका अपना कमाया हुआ धन जो बचा के रखा आपने, दैट इज सेकंड हाउस। एट हाउस कौन सा है, एट हाउस से भी धन मिलता है, एट हाउस से वो है अनअर्नड मनी, जो आप ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, अगर वो आपको मिल रहा है तो कहां से मिल रहा है, कुंडली के आठवें घर से मिल रहा है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, वो आपने कमाई थोड़ी है, वो आपके पूर्वजों ने कमाई थी, लेकिन आप क्योंकि उस परिवार में पैदा हुए आपका हिस्सा बनता है तो आपको मिली, आपने कमाई थोड़ी ना, वो तो क्यों मिली, क्योंकि वो आपने नहीं कमाई, तो कैसा धन जो आपने नहीं कमाया मिल गया। इंश्योरेंस, कोई कमाया थोड़ी ना होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, कमाया थोड़ी ना वो आपने लेकिन मिल गया, कोई लॉटरी निकल गई आपकी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो आपने कमाई नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा, दहेज, डॉरी, मतलब शादी में आपको बहुत सारा गाड़ी बंगला मिल गया, कैश मिल गया, तो कमाया थोड़ी ना वो आपने, दूसरों ने कमाया था आपको मिल गया, दूसरों की कमाई आपको मिल गई, तो कहां से मिलती है, जब एट हाउस एक्टिवेट होता है या एट हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सब चीजें वहां से मिलती है, अनअर्नड मनी इसको बोला गया। छिपी प्रतिभाएं, मतलब आप में जो टैलेंट है, कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो आपको खुद नहीं पता, तो प्रतिभाएं भी आपके एट हाउस से आती है, बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आप दे सकते हो,
विसर्जन अंग जो हमारे गुदा मार्ग है, असाध्य और पुरानी बीमारी आ गया ना, देखो असाध्य, असाध्य मतलब इनक्योरेबल और पुरानी मतलब लंबी चलने वाली बीमारियां सारी ऐसी आ गई, गंभीर मानसिक तनाव। तो एट हाउस जहां पर अच्छा है वहां पर बहुत बुरा भी। कुंडली का नाइन्थ हाउस, कुंडली के नौवें घर से क्या देखते हैं, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस को एक शब्द में बोला गया धर्म भाव, धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण, दो घर धर्म त्रिकोण में आते हैं, कुंडली का पंचम भाव फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, दीज टू हाउसेज आर कॉल्ड धर्म भाव, धार्मिक भाव है। इससे क्या देखे जाते हैं, अमीरी छोड़ दो आप, पिता सबसे पहले आपको बोला है धर्म पिता बोला गया, तो आपका जो धर्म है वो क्या है, पिता से जो मिल रहा है वही तो धर्म है आपका, आपका क्या कल्चर है, क्या रिचुअल्स रहेंगे, किस धर्म के पे आप चलोगे, ये आप तो ना डिसाइड कर रहे हो, जिस परिवार में पैदा हुए हो उससे पता लग रहा है, इनके धर्म पिता से पता लगेगा। तो यहाँ पिता भी यहाँ से देखते हैं आप, जो आपके फादर हैं कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। गुरु, तो आपको इस जीवन में गुरु कैसे मिलेंगे ना, तो वो आपके नाइन्थ हाउस से देखते हैं। सौभाग्य, नाइन्थ हाउस को क्या बोला है, भाग्य स्थान, नाइन्थ हाउस को एक ही चीज बोली गई है, भाग्य स्थान या धर्म भाव। तो भाग्य क्या मतलब, आपका भाग्य चक्र कैसा है, कैसी डेस्टिनी लेके पैदा हुए हो आप, वो आपका नाइन्थ हाउस बताता है। दिव्य आत्माओं को समर्पण ये छोड़ दो। विदेश यात्रा, नाइन्थ हाउस का क्या बोला गया, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। तो विदेश का मतलब क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ठीक है। तो कोई बच्चा विदेश जा पाएगा नहीं जा पाएगा, आपकी विदेश जर्नी होगी नहीं होगी तो कब पता लगेगा, अगर नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा विदेश ऐसे थे ना उड़ के पहुंच जाओगे, जाओगे तो किसी ट्रैवलर करके ही, तो ट्रैवलिंग के योग बने होंगे वो भी लंबी दूरी के, तब आप विदेश बोलोगे, ठीक है। तो कैसे पता लगे, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो लंबी यात्रा विदेश ये सारी सारी चीजें कहां से देखते हैं, कुंडली के नौवें घर से, नाइन्थ हाउस। न्यायपालिका छोड़ दो अभी। उच्च शिक्षा, देखिए पहले मैंने शिक्षा बताई आपको प्रारंभिक, मतलब जो हम बोलते हैं संस्कार, वो सेकेंड हाउस। फिर देखा है फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में भूल गया, जो आपकी एकेडमिक है मतलब ट्वेल्थ तक की जो एजुकेशन है दैट इज सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस, तो कुंडली के चौथे घर से देखी जाती है आपकी एकेडमिक स्कूलिंग। जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी कॉलेज। और नाइन्थ हाउस क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने रिसर्च करने जाना है, आपने हायर स्टडी के लिए जाना है, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो जहां तक आपके क्लियर होगा वो उतना पढ़ सकते हो। ओके, कहां तक पहुंचे, ये रहा उच्च शिक्षा, ठीक है। विवेक छोड़ दो। तीर्थ यात्रा, ठीक है, क्योंकि धर्म भाव भी है नाइन्थ हाउस, तो आपके तीर्थ यात्रा कब होंगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये भी कुंडली के नौवें घर से देखते हैं। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म छोड़ दो अभी, परामर्शदाता आचार्य छोड़ दो। बच्चे, जैसे बच्चों का घर फिफ्थ हाउस होता है तो एक सिस्टम है वो आगे पढ़ाएंगे आपको, फिफ्थ से फिफ्थ क्या है, नाइन्थ हाउस है, तो बच्चे नाइन्थ हाउस से भी देखे जाते हैं। तो बच्चे देखने के दो घर देखते हैं, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। धर्म, तो धर्म क्या है, धर्म का पालन करो, धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है कि दिया बत्ती जलाना, अगरबत्ती जला रहे हो दिया जला रहे हो धर्म है, वो नहीं। धर्म मतलब आप अपना धर्म क्या निभाते हो, जैसे मेरा धर्म है मैंने आपसे फीस ली मुझे पढ़ाना, दैट इज माय धर्म, ये मेरा धर्म है पढ़ाना अब आपको, ठीक है। और आपका क्या है, आपने पढ़ना है, ये वो आपका धर्म, तो अब हम अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, तो कौन अपना धर्म निभाएगा, एक तो ये धर्म हो गया। दूसरा, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो उनके कुछ कल्चर, कुछ रिचुअल्स चले आ रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करोगे नहीं करोगे। कुछ लोगों को देखा होगा हिंदू में पैदा होते हैं लेकिन वो अपने धर्म चेंज कर लेते हैं, ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन गए, या मोमडन आप हैं तो आप हिंदू बन गए, तो आपका अपने रिलीजन चेंज कर लिया, तो कौन लोग कर पाएंगे, वो जिसका नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड होगा, नाइन्थ हाउस बताएगा कि आप अपने धर्म पर चलोगे नहीं चलोगे। कौन सा धर्म, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, जिस उस धर्म में जो रिचुअल्स हैं जो करते आ रहे हैं वो आप पालन करोगे नहीं करोगे, वो कुंडली का नौवां घर बताता है, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाता है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि जी हम जैनी है, देखो यार हमारा बच्चा हमारे सिस्टम को फॉलो करेगा नहीं करेगा, तो पता लग जाता है वहां देख कर, ठीक है, करेगा नहीं करेगा। तो धर्म, मन की शुद्धता छोड़ दो आप, दयालुता, ठीक है, समुद्र यात्रा ये भी छोड़ दो। समुद्र यात्रा मतलब लंबी दूरी की यात्रा, समुद्र में क्या करने जाते हैं, पहले यात्राएं समुद्र से होती थी, एक देश से दूसरे देश जाना है तो और तो था नहीं, तो लंबी दूरी की यात्राएं हैं, बता दिए। जांगे, आपके जो थाईज हैं, ठीक है, वो यहां से देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुंडली का टेंथ हाउस, कुंडली का टेंथ हाउस से क्या देखेंगे, टेंथ हाउस मतलब बिजनेस, व्यापार, तो प्योर बिजनेस का घर है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस को इन शॉर्ट ये भी बोला गया है, अभी आप ये भी आ सकते हो कि ये प्रोफेशन है आपका,
या किसी भी तरह का किया हुआ कर्म, इंसान बहुत सारे कर्म करता है, एक नित्य कर्म है जो आप डेली के कर्म करते हो, एक है प्रोफेशनल कर्म, प्रोफेशनल काम करते हो, तो हर तरह के जो भी कर्म है आपके इस जर्नी में जो करोगे वो सारे सारे 10th हाउस से देखे जाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल कर्मा है, चाहे वो आपके अपने कर्मा है, कुछ भी आप कर्म करते हो तो वो सारे सारे कर्म आपके कैसे रहेंगे कुंडली के 10th हाउस से देखे जाते हैं, 10वें घर से। पेशा, व्यवसाय आपका, अधिकार, ठीक है, ये सब चीजें, कीर्ति, कीर्ति मतलब रिकॉग्नाइजेशन कितनी मिलेगी आपको इस जर्नी में, ये भी कुंडली का 10वां घर बताता है। 10वां घर का है रिकॉग्नाइजेशन का है, आपको नेम फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें देखनी है तो कुंडली का 10th हाउस देखो। 10th हाउस क्या, गवर्नमेंट भी है, ठीक है, बस ये समझ लो कि 10th हाउस आपके कर्मों का घर है, बस नेम फेम यहां से देखा जाएगा, अब इतना याद कर लो। तो कुंडली का 11वां घर है वो क्या दिखाता है, इच्छाओं की पूर्ति, मतलब आपकी जितनी भी डिजायर है सारी सारी डिजायर आपके कुंडली के 11th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। आसान कमाई, तो आपकी इनकम 11th हाउस का एक चीज और बोलेंगे इनकमिंग, इनकम है वो, तो हर तरह की इनकमिंग वहां से देखी जाती है 11th हाउस से। बड़े भाई जैसे बताया था, 3rd हाउस क्या है आपका, छोटे भाई बहन, और आपके बड़े भाई बहन का विचार करना है तो कहां से देखेंगे, कुंडली के 11th हाउस से, 11वें घर से। लाभ, आपको क्या इनकम हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा आपको, वो कुंडली का 11th हाउस बताएगा। कोई भी चीज आपको उपहार में मिलती है, मतलब आपको प्राइज मिल रहा है, आपको कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, कोई ट्रॉफी मिल रही है, तो कहां से देखी जाएगी, और सारी सारी चीजें आपके 11th हाउस से देखेंगे। जब वो एक्टिवेट होता है तो आपको कंपटीशन में आपको प्राइज मिलता है, कोई शील्ड मिल सकती है आपको, कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है आपको। आपका 11th हाउस से आपके फ्रेंड देखे जाते हैं, फ्रेंड कौन होते हैं, वेल विशर। फ्रेंड को इन जनरल भाषा में क्या बोलेंगे, आपका दोस्त कौन है जो आपका वेल विशर है, तो आपके इस जर्नी में कितने वेल विशर होंगे ये कहां से देखे जाएंगे, कुंडली के 11th हाउस यानी 11वें घर से आपके वेल विशर देखे जाते हैं, यानी कि आपके दोस्त भी कुंडली के 11वें घर से देखे जाएंगे। सम्मान, ठीक है, ये सारे बस आप इतना याद रखो। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, माता की आयु, कुंडली का 11वां घर, जैसे आप लगन हो पहला घर, और आपकी मृत्यु कहां से देखी थी हमने, 8वें घर से, तो जब 11वें घर को काउंट करोगे तो माँ का घर था चौथा, चौथे घर से आपकी कुंडली का 11वां घर चौथे घर से 8वां घर है, तो वो माता की मृत्यु होगी। तो इस तरह से हर रिलेशनशिप की मृत्यु, हर रिलेशनशिप के रिलेशन हम कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली का 12वां घर, 12वां भाव क्या कहता है, लास्ट भाव है कुंडली का 12वां भाव, 12th हाउस। 12th हाउस को, जैसे 11th हाउस को एक शब्द में बोला गया है इनकम, इनकम का हाउस है इनकमिंग, और 12th हाउस को क्या बोला है, एक्सपेंडिचर, मतलब ये जाने वाला घर है, मतलब व्यय, हिंदी में बोलते हैं व्यय स्थान, व्यय, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर हाउस, हर चीज का छूट जाना 12th हाउस। तो यहां से क्या, बिस्तर का सुख भी देखा जाता है, निंद्रा या यौन सुख, जो आपका मटेरियल सुख है, शारीरिक सुख है शादी के बाद का, वो समझ लो 12th हाउस आपका बेडरूम है, एक किसी कपल का जो बेडरूम होता है जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी आप करते हो, दैट इज 12th हाउस, वो दिखाया जाता है। कैद, तो 12th हाउस से आप कैद भी देखते हैं, तो मतलब जेल, यात्रा, कैद मतलब बंधन, वो भी 12th हाउस से देखेंगे। किसी भी चीज का अंत, बताया ना अंत, चाहे आपका शरीर का अंत हो रहा है तो भी 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आपका शरीर छूट रहा है, डेथ हो रही है तो भी 12th हाउस देखेंगे। आपने कोई आते छोड़ दी, तो मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना इस 12th हाउस, तो वो भी है। विदेश में आवास, ठीक है, तो विदेश में क्या मतलब, आप अपना सब कुछ छोड़ के विदेश जा रहे हो तो 12th हाउस एक्टिवेट होता है आपका, ये भी मतलब है। कोई हानि, संपत्ति, मृत्यु के बाद ये छोड़ दो आत्मा का सगन, ये छोड़ दो अभी आप, बस यही समझ लो। अस्पताल, हॉस्पिटल में भर्ती होना, हॉस्पिटल में क्या है, 1st हाउस की आपकी हेल्थ है, अब हेल्थ खराब होगी, मतलब हेल्थ छूट गई आपसे, तो क्या 12th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो हेल्थ जब भी खराब होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होना, जेल होना, ठीक है, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, सब 12th हाउस से आती है। तो इसलिए कुंडली के 3 हाउस बुरे हाउस बोले गए हैं, 6ठा घर, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो 3 हाउस को इनको एक ग्रुप में रखा गया, इनको बोलते हैं दुस्थान, है ना, बुरे घर इनको बोला गया। देखो बाई आंख आ गया ना, बाई आंख आपकी लेफ्ट आई, राइट आई बताई थी 2nd हाउस, और राइट आई कहां से आई, और लेफ्ट आई आपकी 12th हाउस। तो इस तरह से आप हाउस को पहचानो और इन सबको आप बोल देख सकते। ओके,
मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप अपने आप से अनम्यूट हो सकते हो, लेकिन बोलेगा कोई नहीं जब तक कि मैं नाम ना लूं। आप हैंड रेज कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते। गीतांजलि गुप्ता, यस। हाँ जी सर, ये जो आप बता रहे थे कि ये हाउस में अच्छा ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, तो सर कैसे पता लगेगा किसी अभी का छोड़ दो, अभी तो बहुत बात की बातें हैं। अभी सर ये मैं आपको ये सिखाया, अभी तक मैंने ये सिखाया राशियां कितनी होती हैं, राशि के लॉर्ड क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके नंबर क्या है, ठीक है। फिर राशि को, राशि के बारे में थोड़ा बताया, राशि की कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ठीक है। फिर हमने बताया आज हाउस, कुंडली के 12 घर होते हैं, कुंडली के 12 घर से पहले घर से क्या देखते हैं, दूसरे से क्या, मैंने बहुत इलाबोरेट करके पूरे सेशन में आज यही बताया। अभी वो अच्छा बुरा क्या है, जीवन भर यही देखना है, और ये देखना आ गया ना तो यही ज्योतिष है बस। वो अभी देखेंगे ना, आगे सीखेंगे अच्छे प्लैनेट कौन से हैं, बुरे प्लैनेट कौन से हैं। मैंने तो प्लैनेट सिखाए नहीं, अगले लेक्चर में प्लैनेट से बताऊंगा कि किस प्लैनेट से क्या चीज देखी जाती है, कौन अच्छे प्लैनेट है, कौन बुरे प्लैनेट है, ठीक है। तो अभी बताएंगे आगे, ठीक है, थैंक यू। शुरुआत में देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ज्योतिष सिर्फ 3 से 6 महीने का है बस, इसके बाद कोई भी नई टर्म नहीं सुनोगे जब तक भी ज्योतिष करते रहोगे। ये टर्म बार बार आएंगी, ये टर्म, और कुछ नहीं आने वाला। जो ज्योतिष 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो बेसिक ज्योतिष है, जैसे हमारा 3 महीने का बेसिक है, उसके बाद 3 महीने और है, अगर वो आपने ढंग से सीख लिया, 6 महीने अगर आपने मुझे दे दिया आराम से और डेडिकेशन आपने थोड़ी सी दिखा दी, तो फिर आपकी एक फाउंडेशन ऐसी खड़ी हो जाएगी कि उस पर जितनी मर्जी इमारत खड़ी कर लेना, ठीक। अगर ये फाउंडेशन वीक होगी तो ज्योतिषी तो बन जाओगे, लेकिन कैसे बनोगे वो भगवान जानता है या तुम जानते हो। तो सारा सारा ज्योतिष सिर्फ यही ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब क्या है, आप इन टूल को समझ लो और जीवन भर इन्हीं टूल को यूज करना है आपने। कभी ये लगाना है, कभी वो लगाना है, कभी इसका कॉम्बिनेशन, कभी उसका कॉम्बिनेशन, यही चीज लगानी है बस जीवन भर। तो ये इस पर ध्यान दे लेना। फिर कह रहा हूं मैं, सारा ज्योतिष सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद 60 साल भी पढ़ लोगे यही 6 महीने वाली चीज पढ़ोगे बार बार, इनकी एप्लीकेशन, इनको लगाना कैसे, इनकी हायर वर्जन, वही पढ़ते रहोगे बार बार। तो ये इस पे ध्यान देना, जिसने सीरियस नोट पे ज्योतिष पढ़ना है, बाकी जिसने ठीक है थोड़ी नॉलेज लेनी है या सीरियस नहीं है तो वो उसकी मर्जी। जिसने सीरियसली पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ 6 महीने डेडिकेटली मेरे साथ बिता लो, तो मैं ऐसी नींव रख दूंगा कि आप अपने हिसाब से भी पढ़कर फिर ज्योतिष को आप ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यस वाणी वर्मा, नमस्ते सर। आपने सर जो एक्टिवेशन का बोला है कि जैसे हाउस एक्टिवेट होता है तो मतलब अच्छा या बुरा होता है, सर ये एक्टिवेशन सर कैसे होता है, मतलब कौन सी एज में क्या है? बता रहा हूँ, बता, मैं समझ गया। अभी तो मैंने भाव ये बता रहा हूँ, अभी आपकी दशाएं चलेंगी, पीरियड जी कहते हैं ना, आप कहते हो ना मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में मेरा शनि चल रहा है, तो जब दशाएं चलती हैं, दशा किसकी चलती है, ग्रह की, प्लैनेट की। प्लैनेट क्या है जी? वो प्लैनेट किसी ना किसी राशि का लॉर्ड है और कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो जहां का वो लॉर्ड है, जिस घर का मालिक है, उसकी राशि किस घर में पड़ी हुई है 12 खाने में, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, और जहां वो खुद बैठा है वो भी हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड वो फल देगा, ये मतलब। ओके, जहां उसकी राशि है और जहां वो खुद बैठा है वो दोनों हाउस एक्टिवेट होंगे, वो हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आकांक्षा, हेलो सर। हाँ सर, जैसे भी आपने बताया था कि 9th house जो होता है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को इंडिकेट करता है, तो जैसे कई लोग होते हैं कि एक ही चीज को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन करी, वो खत्म हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, सेम वही चीज वो किसी और जगह से सेम प्रोसेस में फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो उसी से इंडिकेट होता है या कुछ और होता है जिससे कि वो बार बार उसी चीज को रिपीट किए जा रहे हैं? हाँ देखो, क्या होता है ना, मान लीजिए 9th house के ऊपर तो कोई एजुकेशन नहीं है ना, तो उसमें तो सारी हायर एजुकेशन 9th house में आ जाएंगी। तो अगर 9th house एक्टिवेट है, लंबे समय तक उसकी दशा चल रही है, तो एक्टिवेट है, आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। अब जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे सारे सारे प्लैनेट 5th house में बैठे हैं, ठीक है, और 5 प्लैनेट मेरे 5th house में है और एक शनि वो 9th house में है। तो मैं तो जब से होश संभाला है, जब से याद है, मतलब बचपन में मेरे को आज भी याद है, जब मेरी बुआ, मैं शैतानी कर रहा था, मेरे को आज भी वो सीन याद है, कुछ चीजें मेमोरी बैठ जाती है। बचपन में मैं शैतानी कर रहा था, मेरी बुआ पकड़ के ले गई और मेरा एडमिशन करा के प्राइमरी एजुकेशन में करा के आ गई, मेरे को आज भी याद है। तब से लेकर आज उम्र 47 ईयर की हो गई है, मतलब शायद मैं 3-4 साल का रहूंगा, तो तब से लेकर आज तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई,
मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही जा रहा हूँ, सबसे पहले एकेडमी पढ़ा, फिर प्रोफेशनल पढ़ा, डबल एमबीए की, इंजीनियरिंग की, और बड़े सारे कोर्सेज किए, फिर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे कोर्सेज मैं बीच में किए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, फिर मैं ऑकल्ट में आ गया, ऑकल्ट में पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। तो क्या है मतलब है, मेरे छह प्लैनेट जब पढ़ने वाले घरों में बैठे हुए हैं तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा हूँ, तभी किसी ना किसी दशा आएगी, वही पढ़ाई जा रही है मुझे, बस ये मतलब है। ठीक है, ओके, मैंने आपसे सर इसको पूछा जैसे कि, हाँ जी बोलो बोलो, मैंने आपसे इसको पूछा जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन में एक लड़का था, वो लड़का दो बार ग्रेजुएशन कर चुका, फिर उसी चीज में दो बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका, फिर मेरे साथ ग्रेजुएशन कर चुका। हाँ, उसकी जो दशा चल रही है ना, कहना कि फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है उसका, लंबे टाइम के लिए कोई चीज एक्टिवेट है तो आपका मन करता है और पढ़ लो, और पढ़ लो। तो हम कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, हमेशा बोलता हूँ मैं ये बातें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोलता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर अभी मन तो पढ़ने का है लेकिन अभी नहीं सर, बाद में कर लूंगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर अभी टाइम मिल रहा है ना पढ़ने का, ज्योतिष वास्तु इन सब ऑकल्ट साइंसेस, तो इसका मतलब वो दशा अभी एक्टिवेट है आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप जब मर्जी पढ़ लीजिएगा, चल दो साल बाद पढ़ लेंगे, साल बाद पढ़ लेंगे, तो दशा है। अगर वो दशा सपोर्ट कर रही है आपको तो पढ़ाई दे देगी आपको, ठीक है। मान ले आप कहते नहीं अगले साल पढ़ूंगा, अगले साल दशा खत्म हो गई ऑकल्ट साइंस पढ़ने की, तो फिर जीवन में नहीं पढ़ पाओगे। ये जो एजुकेशन होती है पैसे से नहीं होती, ये जब हाउस एक्टिवेट होता है तो बिना पैसे के भी आपको कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, फ्री में पढ़ा देगा आपको, ठीक है। और फिर पैसे लेके घूमते रहना जी, पढ़ा दो आप पैसे लेकर भी घूमते रहोगे तब भी विद्या नहीं सीख सकते, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी दशा चल रही है, आपने एक कोर्स ज्वाइन किया फिर दूसरा कर लो, मतलब पढ़ लो, क्योंकि ऑकल्ट की एट्थ हाउस एक्टिवेट है आपका। अगर ये एट्थ हाउस एक्टिवेट खत्म हो गया फिर ऑकल्ट नहीं सीख पाओगे, खत्म। फिर पैसे लेके घूमते रहना, फिर क्या एडमिशन भी ले लोगे, फीस भी जमा करा दोगे, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ी नहीं पाओगे, एडमिशन लिया दो तीन क्लास करोगे, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बन जाएंगे कि आप ये ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए जिस वक्त में जो चीज एक्टिवेट है उसको कर लो, वो कुंडली, वो भगवान सपोर्ट कर रहा है आपको करने के लिए, ठीक है। टाइम निकल गया, बात खत्म, फिर वो टाइम गया, फिर वापस नहीं आता, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यस, आकांक्षा हो गया, दीपक सर, इसमें सर चल संपत्ति सेकंड हाउस में था और फोर्थ में सर अचल, ये क्या होता है सर, चल संपत्ति और अचल संपत्ति? देखो ये पता होना चाहिए, चल मतलब फिक्स्ड, अच्छा, अचल मतलब मूवेबल, ठीक है, मतलब तो दो दो मतलब, दो एसेट्स होती है आपके पास, मतलब मैं जो कमाऊंगा वो अचल आएगी और जो मुझे मिलेगा वो घर वालों से, जो प्रॉपर्टी है, मान ले मकान खरीद लिया, ये तेरी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स है तेरी, मूवेबल एसेट्स है, फिक्स है सर, फिक्स है ना, इसको लेके तो कोई भाग तो नहीं सकता, अच्छा, तो दैट इज फिक्स्ड। गाड़ी है, ये कौन सी संपत्ति है तेरी? अचल। कैश पड़ा तेरे पास, कौन सी संपत्ति है? अचल। समझ में आ गया? ये सर, और सर ये 11th में सर ये सरल संपत्ति, सर सरल कुछ था सर, सरल की संपत्ति था? 11th हाउस का गेन का हाउस है ना, मतलब जो इजी गोइंग, आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, एसेट्स मिल जाए, गेन हो जाए किसी बात का, वो 11th हाउस से देखते हैं, ये मतलब। और सर एक बार सर कोई कुंडली, सर मेरे जैसे कुंडली उसमें सर ग्रह हैं तो वो फिक्स रहेंगे मैं जब जन्म लिया तब? हाँ बिल्कुल, जो देखिए कुंडली में आप कुछ नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं, कुंडली समझ लो कि तू मतलब आज की डेट में जैसा दिखता है, जैसा है, उसकी फोटो खींच ले और रख दे, तू बढ़ता चला जाएगा, दाढ़ी आ जाएगी, तेरे बाल उड़ जाएंगे, दांत चले जाएंगे, एक दिन तू खत्म भी हो जाएगा, लेकिन फोटो वो बदलेगी क्या कभी? वो तो जो पोस्ट तूने बना रखा ना, मतलब तो ऐसे ही रहेगा वो, तो कुंडली में कुछ नहीं बदलता। जब आप पैदा हुए थे वो फोटो खुच गई आपकी कुंडली की, अच्छे बुरे योग, अच्छी बुरी दशाएं, जो मिलना था मिल गया, उनको भोगना पड़ेगा, बात खत्म, कुछ चेंज नहीं होने वाला। चेंज करना है तो डेथ करो, नया जन्म लो और फिर तभी जाके कुछ चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होने वाला। तो सर जो दिन प्रतिदिन चेंज आते हैं हमारे लाइफ में वो कैसे होते हैं फिर? वो दशाएं चेंज हो रही है ना, वो फिक्स्ड है। अब इसका मतलब ये तो ना कि आप एक साल के थे तो आज एक ही साल के हो, बड़े हो गए ना, वो पैटर्न बना हुआ है आपका, उसी पैटर्न पे चलोगे, कब शादी होनी, कब बच्चे होंगे, कब दुख सुख आएगा, कब बीमारियां लगेंगी, वो फिक्स पैटर्न पे है, वो कब क्या मिलना है, पैटर्न बन गया आपका कुंडली में। सर चल संपत्ति जो हमें दे, भक्ति से या कर्मों से कुछ अप एंड डाउन कर सकते हो आप, वो थोड़ी सी फ्री विल दी है भगवान ने, जैसे होता ना हाईवे है, चार लेन का अचल
एक मिनट, चार लेन का हाईवे है, उस चार लेन में चलना है आपने, इधर चलो या इधर चलो, इधर चलो, लेकिन ये लेन तो मिल गई ना, इसी चार लेन में चलना है, थोड़ी सी मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आपको, बस ये मतलब है। नहीं तो सर जो उपाय बताते हैं फिर वो क्या इन पे लागू नहीं होते कि आपकी दशाएं? तो उपाय से तो कह रहा हूँ, उपाय क्या, भक्ति कर रहे हो या कुछ कर्म कर रहे हो? उपाय का मतलब क्या, कर्म करे है ना, उपाय मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो कर्म किया, उठ के गए, फोन किया, पैसे खर्च किए, अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, जो उसने बताया वो कर्म किया, चाहे मंत्र चैंटिंग की, दान किया, तो कर्म किया ना आपने, तो कर्मों से क्या कुछ आपकी फ्री विल मिल जाती है, कुछ आप चीजें चेंज कर सकते हो, कुछ चीजें, जरूरी नहीं कि सब कुछ बदल दोगे, कुछ चीज चेंज हो सकती है, वो भी आपकी कितनी भक्ति है, भगवान ने कितनी चाहता है आपको, करना ना करना, ये मतलब है। तो सर इसका मतलब टाइम जो है, बर्थ टाइम आपको एक्यूरेट जरूर चाहिए होता होगा इस चीज के लिए, क्योंकि वो कुंडल उस समय ग्रह दशाएं राशियां अपनी फिक्स होती हैं। हाँ जी, इसलिए गड़बड़ हो जाता है अगर वो चीज टाइम होगा, उतना प्रिसाइजली हम अंदर तक चीजें देख सकते हैं, प्रिसाइजली थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मोटा मोटा तो जीवन का देख ही सकते हैं, लेकिन जब हम प्रिसाइजली टाइम अगर एक्यूरेट है तो आगे ना वर्गा चार्ट आते हैं, वो अगर टाइम प्रिसाइज आपका तो वो वर्गा चार्ट आगे जो चार्ट बनेंगे, तो अभी एक चार्ट बनेगा तो अच्छे वाले एक सटीक बन जाते हैं। कविता जी अपना माइक ऑन ऑफ रखो प्लीज, अगर आपके घर में कुछ चहल पहल हो रही है, और पहले बिना हाथ उठाए कोई नहीं बोलेगा, हाथ उठाओ मैं टाइम से सब कर लूंगा। उषा राय जी बीच में ना बोले कोई, मैंने ले लिया क्वेश्चन लेकिन आगे नहीं लूंगा। उषा जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, ये 12 राशियां और 12 घर, तो जैसा आपने बताया कि मतलब पहला घर इस चीज का, दूसरा घर इस चीज का, तो अगर किसी का मतलब राशि जो है दूसरे घर की है, तो जो काउंटिंग होगी वो राशि वाला घर पहला माना जाएगा, या जो मतलब जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें जो पहला घर होता है उससे हम सारी चीजें? मैंने शायद ये बताएगा, आपने मेरा वीडियो सुना नहीं है, सुनोगे मुझे पता लगता है किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा, किसने मेरे वीडियो सुने हैं, किसने कितना सीरियसली सुना है, आपके क्वेश्चन से पता लगता है। मैं बार बार बोला है हाउस इज फिक्स्ड, भाव फिक्स्ड है, हर कुंडली के अंदर, हर कुंडली में, हर किसी इंसान की कुंडली में जो मिडल वाला स्क्वायर है, पहला ऊपर वाला, वो पहला घर है, वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। हाउस इज फिक्स्ड, राशियां कोई भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन घर जो है वो फिक्स है, पहला दूसरा तीसरा, भाव देखेंगे पहला दूसरा, वो फिक्स के हिसाब से, वो फिक्स है, वो सभी की कुंडली में यही है। रमेश जिनका हो चुका प्लीज हैंड डाउन कर लें। रमेश, सचिन। हाँ जी सर, सर एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपने बोला कि हर हाउस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, हर भाव की, तो अगर कोई खाली है, जैसे डेफिनेटली अगर हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तो उस केस में सर फिर क्या होगा? अगर खाली नहीं है सर, वहां पर राशि तो है ना, कोई ना कोई 12 भाव है, 12 ही राशि है, तो ऐसा कोई भाव नहीं होगा जिसमें राशि ना हो कोई, उसका कोई ऑनर होगा उस राशि को, होगा ना, बस तो फिर कोई बैठा नहीं है, बस वहां पर ये मतलब है, कोई बैठा नहीं है, कोई बात नहीं, उसका लॉर्ड तो है, तो वो इंपैक्ट करेगा फिर हमें, वो इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, चाहे वो हाउस हमारा जो है वो खाली भी है, बिल्कुल भाई, आपका घर है, आप कहीं और बैठे हो सकते हो, आपका घर तो है ना, खाली नहीं है, आप मालिक है, कोई उसका लवारिस नहीं होगा, और उसकी जो दशा होगी उस राशि उस ग्रह की, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट करेगा, हाँ बस, राशि की दशा नहीं होती, राशि की दशा भी होती है लेकिन वो जैमिनी में होती है, राशि जो सिस्टम पढ़ रहे हैं ग्रह की दशा चलती है, तो अच्छा, उसके लॉर्ड की जब दशा चलेगी तो वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, आपने एक चीज बताई कि 8th और 12th, 8th भी डेथ के लिए और 12th भी किसी चीज के एंड के लिए, 12th जो हाउस है, तो उन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है, मतलब एंड का मतलब है, जैसे शरीर है, शरीर छूटता है तो क्या शरीर का अंत हो गया, मतलब किसी भी को छोड़ना, वो 12th हाउस है, ये मतलब है, और 8th जैसे डेथ का है, तो मतलब दोनों तो डेथ है, मतलब 8th तो अल्टीमेट डेथ है, मतलब डेथ का मतलब है वहां शरीर नहीं है, वहां तो है किसी भी चीज अच्छी बुरी आते छोड़ सकते हो, शरीर को छोड़ सकते हो, यहाँ आत्मा का निकल जाना है, मतलब आत्मा छोड़ के चलेगी आपको, ये मतलब 8th हाउस मोक्ष, 12th हां नहीं 8th हाउस, 8th हाउस, ओके, वो व्यय स्थान है, व्यय खर्च कर देना, एक्सपेंड हो जाना, बीमारी हुई तो क्या होगा, पैसा भी खर्च हो रहा है, शरीर भी खर्च हो रहा है, ये लोग ही तो क्या हो गया, आपकी मान सम्मान खर्च हो गया और आप बंधन में आ गए, 12th हाउस बंधन भी है, ठीक है, थैंक यू सर। नम्रता,
यस सर, मुझे एक तो ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि जो हमारे भाव होते हैं ये हमारे रिलेशनशिप्स को भी बताते हैं, मम्मी का, पापा का, परिवार का, तो क्या ये उनकी हमें नेचर भी बताते हैं कि मम्मी सब कुछ सब कुछ मैंने बताया ना, एक कुंडली से आपकी कुंडली से जितने भी आपके रिलेशन है जितने भी, मैं कह रहा हूँ बताया सकता है, ये नहीं कि मैं बता सकता हूँ, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि बताया जा सकता है, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी पहले क्वेश्चन आंसर कर ले फिर आपको बताता हूँ कितनी चीजें बताई जा सकती हैं। एक सर मेरे को क्वेश्चन था नाइन्थ हाउस के ऊपर ही था, जैसे मान लीजिए होता है कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू की पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन वगैरह पीएचडी वगैरह, एंड बीच में छूट गई, तो इसका मतलब हुआ कि उनका नाइन्थ हाउस अफ्लिक्टेड है? नहीं नहीं, एक्टिवेट तो है लेकिन जो दशा मिली है वो कहीं ना कहीं वो एंटी दशा है, मतलब दशा उनको फेवर नहीं कर रही, फेवर नहीं कर रही हो तो एक्टिवेट है हाउस वो। इसका मतलब आप समझिए, सातवां घर क्या होता है, शादी का है, पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है ना सेवंथ हाउस, जी जी, तो वो हाउस एक्टिवेट हुआ, शादी करा दी, अब वो इसका मतलब ये था ना कि उसने शादी करा दी तो वो ये भी कह रहा है कि अच्छी चल जाएगी, जरूरी तो नहीं है, उसका काम था शादी कराना। इस तरह जो एजुकेशन का हाउस एक्टिवेट है उसने एडमिशन दिला दिया, कोर्स स्टार्ट हो गया, अब वो कितना करेगा, क्या परसेंटेज लाएगा, वो अलग बात है, वो किसी अलग तरीके से देखते हैं। और जैसे अभी मेरे साथ हुआ था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया, बट क्या हुआ कि जब मैंने थीसिस दी तो उसके बाद जो उसकी मार्कशीट आनी थी कॉलेज वालों से रिजल्ट गुम हो गया, एंड सिंस 3 इयर्स मैं कॉलेज के चक्कर नहीं मिल रहा, तो चलो दशा ऐसी चल रही होगी, परेशानी वाली दशा चल रही होगी, या कोई दशा ऐसा है, दशा ऐसी चल रही होगी, वरना तो हाउस ने तो आपको एमटेक करा दी ना एक तरह से, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी, लेकिन क्या कुछ दशा फेवर नहीं चल रही तो हाथ में चीज नहीं आई, बस ये मतलब। ठीक ठीक, प्रियांशी जिनका हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लें, नम्रता, रमेश, प्रियांशी। हेलो, हाँ जी प्रियांशी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि आपने कहा कि जिसका एट्थ हाउस अच्छा नहीं हो वो ओकल्ट नहीं कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल ओकल्ट में नहीं कर सकता, तो मेरे साथ तो तीन तीन चीजें गड़बड़ आ रही है कि मेरे एट्थ हाउस में शनि और केतु भी है और मेरी दशा भी शनि की चल रही है, तो ये बताओ, मैंने ये बोला है कि आपका जो शनि और केतु आपके एट्थ हाउस को खराब कर रहा है, मैंने ये बात बोली है? नहीं, बट शनि और केतु खराब ही माने जाते हैं ना? किससे सुन लिया आपने? मैंने मतलब पढ़ा था। पल भाई ये पढ़ के आते हैं ना YouTube से इधर-उधर से, तो यही सत्यानाश करते हैं ज्योतिष का। किस कंटेस्ट में हर प्लैनेट किस शनि के लिए ये बोला गया है, जिसका शनि एट्थ हाउस में हो वो दीर्घ आयु वाला बंदा होता है, दीर्घ आयु मतलब आप समझ लीजिए चिर आयु आपकी है, आपकी आयु बहुत है, ये थंब रूल है, शनि किसी का एट्थ हाउस में है तो आपकी आयु लंबी है। अभी अच्छा है बुरा है? केतु, केतु क्या स्पिरिचुअल में आना, तो एट्थ हाउस क्या है ऑकल्ट, और केतु क्या देता है ऑकल्ट साइंस। अच्छा, और ये शनि की दशा, शनि दशा बहुत बढ़िया है, अगर अध्यात्म में जाओगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मटेरियल सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, मटेरियल तो छोड़ ही दिया, आप चाहते क्या हो, वही तो बात है ना, अगर आप मटेरियल लाइफ में जाते हो तो आपके लिए दशा बुरी है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो इसको बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए दी बेस्ट है, अब इसको बुरा कहोगे अच्छा कहोगे? स्पिरिचुअल में ही हूँ मैं, तो वो आपने कहा ना कि ओकल्ट नहीं कर सकता तो मैं घबरा गई कि मैं इसी में जा रही हूँ। नहीं नहीं, अब मैंने ये बोला भाई, ये तो जो ज्योतिष है, मतलब आम इंसान तो ये पूछने आएगा ना कि मैं मेरी घोड़ा गाड़ी कब होगी, शादी ब्याह का, मतलब मटेरियल लाइफ की बातें करते, मटेरियल वर्ल्ड के लिए सब बेकार है, लेकिन ओकल्ट में जाना तो दी बेस्ट दशा चल रही है आपकी तो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच सर। भाई इधर उधर से मत पढ़ा करो, मत सुना करो, वो बहकाते रहेंगे दिमाग में उल्टी चीजें बैठ जाएंगी, फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है, ये बता दूं मैं आपको, जो आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। सर मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रही हूं अभी पूरा। हां आप तो मैडम शुक्र है सर, बोल दी आपकी, वरना तो आप तो मैनिफेस्ट, बताओ अच्छी वाली दशा मिली है उसको खराब कर देते अभी बैठ के सोच सोच के। यस मैं जी, आजकल डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं गूगल करके प्लीज बीमारियां मत देखिए हमारे पास, मत देखा करो भाई, वो हर दवाई लिख देता है, तुम गूगल करते हो फिर उसको फोन करते हो, भाई इसके तो ये साइड इफेक्ट है, वो कहता है उससे डॉक्टर्स, हां डॉक्टर्स मना करने लगे, बोले ये सबसे खतरनाक चीज है, तो भाई हम भी तो डॉक्टर हैं, वो अपनी फील्ड के डॉक्टर हैं, उससे बढ़िया वाले डॉक्टर हैं, हम तो आपके मामा मामी तक बता रहे हैं, चाचा जी तक बता रहे हैं, आपके भाई के बारे में बता रहे हैं, वो बता के दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी नहीं मानोगे डॉक्टर की मान लोगे नहीं। चलो मैं बोलो, नहीं वही बात है सर, सब चीजें सब पर लागू नहीं होती सर, नहीं होती, ठीक है, महक महक वो एक कॉमन चीज बोलते हैं महक जी,
सर महक, सर जैसे अब मेरा है, अगर मैंने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया था 2005 में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी तक मैं 4 अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, पर बीच में छूट जाती है हर बार. अच्छा, तो ये किस लिए होता है सर? जैसे अब फोर्थ अटेम्प्ट में कर रही हूँ, मैंने दोबारा स्टार्ट किया लास्ट ईयर कि मैं किसी तरह पढ़ लूं, ग्रेजुएशन तो कर लूं, बट वो रह जाता है, जबकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा है और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई चीज पढ़ने लगूंगी तो मैं मतलब रिसर्च कर सकती हूँ. हाँ, वो बात हुई है ना मैडम, मैं बिल्कुल अंदर चली जाती हूँ उस चीज को पढ़ने के. दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही, दशा के बार एंटी चल जाती है, तो क्या मतलब वो टाइम फेवरेबल नहीं है. हाउस तो एक्टिवेट है लेकिन टाइम फेवरेबल नहीं है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए ना. देखिए एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि जब पैसा था, पैसा नहीं था तो दांत पूरे थे, जवानी थी पूरी, सब कुछ था, हम सारी चीजें एंजॉय कर सकते, लेकिन पैसा नहीं था. जब पैसा आया तो अब किसी का मुंह नहीं रहा, या दांत नहीं रहे, या कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते. तो ये तो यही तो भाग्य है, और है क्या भाग्य? कुछ नहीं है भाग्य, यही है सही वक्त पर सही दशाओं का मिलना ही भाग्य है. फिर इसका मतलब अगर मैं 4 बार कर चुकी हूँ और वो नहीं हो रहा तो मैं मतलब छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. अगर वो चीज होती नहीं तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको करी स्टार्ट नहीं कर पाते. इसका मतलब अभी दशा फेवर नहीं कर रही, लगे रहो कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है सर. हाँ जी, अगला कौन है? सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. हाँ जी बोलो सर. मैं नहीं बोल रही सर, आप इसका पीडीएफ भेज देंगे क्या सर? भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा आज, इस बार भेज दूंगा. अभी अब मैंने थोड़ा पढ़ा दिया है, इस बार भेज दूंगा. हाँ ठीक है सर. यस सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. किरण हियर. हाँ जी, हाँ जी, यस प्लीज. या गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर. दिस बाबा सिंह आई एक्सप्लेन ना सर. 1 to 12 बाबा. हां द सेम बाबा इज अ बाबा. बाबा में बाबा लग्न भाव. ओके ओके भाव. यस ये भाव ए सेम एप्लीकेबल फॉर इवन केपी एस्ट्रोलॉजी आल्सो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन भावा. दिस इज द बेसिक. या दिस इज द बेसिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी. सो इट्स रूल इज सेम फॉर ऑल सिस्टम. यू नो लाल किताब रूल इज सेम फॉर ऑल सिस्टम. यस यस यस. फर्स्ट हाउस से जो देखी जाएगा वो आप चाहे लाल किताब करो, केपी करो, नाड़ी करो, वैदिक करो, कुछ भी करो, ये फिक्स्ड है फर्स्ट सिस्टम के लिए. ओके. एंड वन मोर क्वेश्चन सर. इन दशा भुक्ति, in dasha bhukti what is the percentage of accuracy we are getting, which one is favorable and which one is non favorable, how much percentage will be affected for our lagna sir, I mean in our kundali? Uspe mat jao, abhi to aapne sikha kuch nahi hai which dasha is favorable or not. To ye to abhi planet aap padhenge kaun se planet favorable hai, kaun se unfavorable, baat. Yeah, because why I am asking, just because of earlier one lady was asking, 4 times she has attended this post-graduation and she is not able to fulfill her education. So because you said because of anti-dasha bhukti. हाँ. anti-dasha चल रहा है इसीलिए आप नहीं कर पाए. दो चीजें हो सकती है उसमें, या तो दशा फेवरेबल नहीं है, या जो महादशा चल रही है उसमें जो अंतर दशा चल रही होगी 2 साल की, 2.5 साल 3 साल की, वो दशा और अंतर दशा दो प्लेनेट की दशा है, तो वो हो सकता है आपस में एनिमी हो इनकी कुंडली के हिसाब से ना, तो हो सकता है वो सपोर्ट नहीं कर रहे. ओके. दशा कह रही है पढ़ो, अंतर दिशा जैसे मान ले मोदी और केजरीवाल, कि मोदी ने कोई स्कीम लागू की, ठीक है सब में हो गई लेकिन दिल्ली में नहीं हो पा रही कोई, क्योंकि क्या जो उसने आगे एप्लीकेशन दी है अप्लाई करने के लिए या कोई स्कीम है दिल्ली में, वो केजरीवाल जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगी. तो क्या मतलब दो एंटी है ना, तो इसलिए ऑब्स्टेकल आ रही है कुछ चीजों कि भाई महादशा कर लो, लेकिन जो प्लेनेट अंतर दिशा का मिला है वो सपोर्ट नहीं कर रहा अभी. बस जैसे वो चेंज होगा अंतर दशा आएगी तो इनका काम हो जाएगा. सो काम हो जाएगा. ठीक है सर. रॉन्गली मेरा टर्न मिस हो गया सर, मुझे कुछ एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी देख रहा हूँ सबका. सोनल नहीं, अभी नंबर वैसे सोनल का था. सोनल आपका हो गया था क्या? सोनल फिर रुचि. नहीं हुआ है सर मेरा. सोनल बोलो, मैं सीक्वेंस ही चल रहा हूँ, बीच में उन्होंने बोल दिया होगा. सोनल एंड रुचि. सर मेरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने बोला कि मैरिज का तो एक ही है, मतलब
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ही मैरिज बोला गया है या जून पुराने लोग बोले हैं, लेकिन आजकल अभी सेकंड मैरिज का भी तो देखेंगे ना, सेकंड मैरिज कहाँ से होती है, थर्ड मैरिज कहाँ से होती है, वो देखेंगे, बिल्कुल बताया जाएगा। मैं तो एक रिचुअल्स बता रहा था कि हमारे यहाँ पहले क्या था, पहले तो विवाह तो एक ही होता था, राइट, डिवोर्स का तो मतलब ही नहीं था ना। डिवोर्स सुना था आपने 1950 में, क्या डिवोर्स था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब ये माना गया था कि किसी लड़की की शादी हो गई तो जब तक वो जिंदा है उसी घर में रहेगी, बस मर के ही उसकी वहां से अर्थी निकलेगी, ये मतलब था। राइट सर। वन मोर क्वेश्चन सर, अभी जैसे उस समय मैंने पूछा था आपको मेरे नेम एंड उसका, तो मेरे लिए दोनों मतलब इसके ग्रह इफेक्ट करेंगे? नहीं, जब हम ज्योतिष के और मीन राशि के, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वहां पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, न्यूमरोलॉजी भूल जाते हैं, आपका नाम भूल जाएंगे, यहाँ सिर्फ डेट टाइम और प्लेस, जो कुंडली बनकर आएगी यहाँ पर आप आपका कुछ वो राशि नहीं पकड़ेंगे, हमारे जो आपके चंद्रमा की राशि है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके सर, उसी वही पूरा एप्लीकेबल रहेगा ना, वही पूरा एप्लीकेबल रहेगा, नाम हम कुछ नहीं, नाम का मैं तो नाम पूछता भी नहीं किसी से कि आपका नाम क्या है जी, नाम को कोई मतलब नहीं ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष में सिर्फ डेट टाइम और बर्थ, जो कुंडली बनेगी उसको एनालाइज करना है। फिर वो ललित मोदी किंग फिशर वाला है ना, उन लोगों के केस में एट हाउस वुड बी एक्टिवेटेड? बिल्कुल होगा, इतनी गैम्बलिंग की है, मतलब इतना पैसा लोगों का उड़ाया है इन्होंने, जो भी किया एट हाउस एक्टिवेट होगा, बिल्कुल होगा, अच्छा होगा वो। ओके, अच्छा होगा मतलब एज इन उनके लिए अच्छा है, उनके लिए तो अच्छा ही है ना, उनका अच्छा बैठा होगा तभी तो दुनिया का पैसा लूट लिया उन्होंने, अनअर्न्ड मनी, जो नहीं कमाया, लूटा हुआ पैसा है ना, वो कमाया तो ही ना। ओके, मतलब हम लोग उसको जज नहीं कर रहे वो अच्छा है या बुरा है, बट उसका 8th हाउस एक्टिवेटेड था जिसके वजह से बिल्कुल अचानक दर्द, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो जितने ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑल ये भी रहते हैं तो इनके केस में भी वी नीड टू सी द 8th हाउस? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो कोई रिश्वत ले रहा है और बड़ा अच्छा पैसा कमा ले तो 8th हाउस एक्टिवेट है उसका, उसकी सैलरी तो 50,000 है ना, अगर 50,000 निकली है उसकी तो क्या कमाया तो है ना उसने वो। ओके, तो चोरी का है, दूसरे का पैसा है जो उसने लिया है, तो 8th हाउस। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक जो आपने 9th हाउस का बोला, आपने एक तो ये भी बोला कि वो फादर से का भी हाउस है, एंड दूसरा चीज ये भी बोला कि वो चिल्ड्रन का भी हाउस है, मतलब चिल्ड्रन भी देखे जाते हैं, वो भी तुम नहीं समझाएगा, वो चिल्ड्रन का भी आपको वो सिस्टम नहीं पता, एक होता है भावात भावन सिस्टम होता है, मतलब जो चीज पांचवे घर से देखी जाएगी, जो भी चीज वो उस पांचवे घर से, उससे जो पांचवा घर होगा उससे भी वो चीज देखी जाएगी। ओके, तो 5th हाउस से काउंट करेंगे तो 9th हाउस क्या है, 5th से 5th हाउस है। ओके ठीक है, एंड अगर कोई हर एक भाव में जब उसी भाव का राशि स्वग्रह ही होता है तो उसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है बिल्कुल, अगर भाव हम कहते हैं ना भाव बली हो, स्ट्रोंग है, वीक है, तो कैसे पता लगता है, अगर जो वहां का लॉर्ड है वो वहीं बैठा हो या उस भाव को देख रहा हो, हर ग्रह देखता भी है, अब देखते कैसे वो आगे देखेंगे कौन कैसे देखता है, तो अगर वो वहीं बैठा हुआ है या अपने भाव को देख रहा है तो भाव स्ट्रॉन्ग बन जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है ना, मतलब आप अपने घर में हो तो घर प्रोटेक्ट है ना, या आप घर पे अपने नजर रख रहे हो सामने से, ओके, स्ट्रॉन्ग हो गया ना आपका, बली हो गया, या आपको कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है उस घर में तो भी घर स्ट्रॉन्ग हो गया, आप किसी दुश्मन के मोहल्ले में जाओ तो आप डरे डरे घूमोगे ना, इस तरह प्लैनेट और घर हाउस ये अच्छे बुरे भी होते हैं, वो इससे पता लगता है कि कौन बैठा है वहां पर और कौन है वो। दीपक तेरा हुआ नहीं अभी, निधि बंसल एंड फिर मीनू। सर सर सर, यस सर, गुड इवनिंग, रुजा पहले, दीपक रुजा, निधि से बोलना, हाँ निधि बंसल। सर एक तो मुझे ना वो ऐप के बारे में जानना था, आप कह रहे थे ना आप ऐप बता देंगे जिसमें हम अपना पूरा कुंडली देख सकते हैं। अच्छा, एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज, प्ले स्टोर में जाओ उसको डाउनलोड कर लो, वहां पर डेट टाइम डालोगे, नाम डालोगे, कुंडली पे क्लिक करिए, ओके करोगे तो आपका कुंडली बनकर आ जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर कि कुछ कुछ जैसे मैं भाव का सारा देख रही थी ना, कुछ कुछ घर मुझे उनसे इंडिकेट हो रहा था कि मेरे कुछ घर ठीक नहीं है,
अभी मत देखो भाई, अभी मत देखो, हम तो देख नहीं पाते यार 10 साल बाद भी। आपने अभी देखने शुरू कर दिए कि मेरा घर कौन सा अच्छा। नहीं सर, मतलब जैसे स्किन प्रॉब्लम चल रही है ना अभी बहुत। छोड़ दो अभी, अभी देखिए, अभी सीखते वक्त कुछ नहीं लगाना अपनी कुंडली में, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लगाना, कुंडली देखनी भी नहीं अपनी, देखनी है लेकिन किस वे से, एक जब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, कुछ योग बताऊंगा उस पर पसते, कोई एनालाइज नहीं करना कुंडली को, भविष्य नहीं बताना अपनी कुंडली का भी, नहीं नहीं सर वो नहीं, कुछ नहीं करना, उस नजर से देखनी नहीं है कुंडली, अच्छा बुरा क्या कुछ नहीं देखना, सीखने का पर्पस से देखनी है कि भाई उच्च नीच बताया तो मैं देखूं मेरे कौन से प्लैनेट उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, मेरी राशि कौन सी है, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, सिर्फ उस पर्पस से देखनी है कुंडली बस, और कुछ नहीं देखना कुंडली का। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मीनू अग्रवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, ये 7th हाउस आपने मैरिज का बताया, हाँ। तो अब जैसे कुछ लोगों की तो टाइमली मैरिज हो जाती है, कईयों की होती ही नहीं, हाँ। ये डिले हो रही है जैसे, हाँ। तो वो क्या मतलब वही राशि वगैरह देखेंगे ना, शादी के अगर वो है अब वहाँ बहुत सारे बुरे प्लान बैठे होंगे तो क्या होगा, शादी नहीं करवाएंगे वहाँ, शुभ ग्रह बैठे होंगे तो जल्दी शादी करा देंगे। अच्छा, और खाली हो कुछ ना हो बस सिर्फ खाली होगा तो और भी अच्छा है। अच्छा, तब क्या होता है? तब क्या होता है, टाइमली सब चीजें होती है, मतलब आपका घर समझ लो खाली है तो किराएदार कोई भी आएगा चढ़ जाएगा ना किराए पे। बट सर अगर किसी का ऐसा है खाली है तो उनकी भी तो डिले तो हो सकती नहीं है। नहीं होती ना, ना डिले मतलब खाली मतलब टाइमली मैरिज, शुभ प्लानर बैठे हैं तो अर्ली मैरिज और नेगेटिव प्लानर बैठे हैं तो डिले मैरिज। ये नेगेटिव प्लैनेट और ये आगे देखेंगे और फिर भी अभी जब अभी तो अपने लगन चार्ट देख रहे हो, फिर नवा वर्गा चार्ट देखेंगे, नवाज कुंडली D9 चार्ट शादी तो उससे बताते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको शांत रखूं, सबकी क्यूरियोसिटी को आंसर दे देके शांत रहे, ठीक है। चलो जी, सभी का हो गया क्वेश्चन आंसर। चलो ओके, एक मिनट, चलो मैं एक अनाउंसमेंट है, एक तो मेरी कल होली की रेमेडियल वर्कशॉप है, जिसने भी अटेंड करनी है 2100 उसका चार्ज है, तो कोई भी अटेंड कर सकता है, पहली बात, कल सुबह 10 से 12 बजे तक है, उसके अंदर मैं होली की रेमेडी बताने वाला हूँ। दूसरा, एक कोर्स लॉन्च हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, सभी को पता होगा, ग्रुप में मैंने डाल दिया था, तो जो लोग भी इसको एनरोल करते हैं 5 अप्रैल से शुरू है वो, रेगुलर क्लास होगी सैटरडे संडे छोड़कर, 12,500 उसकी फीस है, तो जो भी उसके लिए कोई एनरोल करता है तो उसके लिए हम एक तो फ्री में ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो 2100 रुपये की वर्कशॉप है वो अटेंड कर सकते हो, उसको फीस नहीं देनी, ऊपर से एक महीने का और ये ज्योतिष वाला कोर्स आप एक महीने और एक्सटेंड कर सकते हो बिना फीस दिए, 1500 रुपये फीस नहीं देनी, आप इसको एक महीने और एक्सटेंड कर सकते हो, और एक उसमें हम 1500 रुपये का ब्रेसलेट दे रहे हैं आपको एनर्जाइज किया हुआ, तो 5100 रुपये। कल वास्तु क्लास नहीं होगी फिर? नहीं होगी मैडम, वास्तु भी होगी, कल वास्तु होगी, वास्तु भी होगी, मैंने कहा वास्तु कितने बजे होती है उसके 11 to 1 है ना? हाँ, मैं उसके थोड़ा टाइमिंग चेंज करने वाला हूँ, वो 12 बजे की बात है। प्लीज म्यूट रखो, ये समझ नहीं आता कि आप माइक क्यों खोल देते हो अपना, माइक को बंद रखो हमेशा, जिसने पूछना वो माइक, मैं नाम लूँ वो माइक ऑन कर लूँ, तो जो भी कोई हमारे न्यूमरोलॉजी में आना चाहता है तो बेस्ट ऑफर है, अप्रैल के बाद जब मई में होगा तो इसकी फीस 15,000 रुपये हो जाएगी और कोई आगे डिस्काउंट नहीं होगा। दूसरा, हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक स्टार्टिंग हो गई है, तो जो जब तक सॉफ्टवेयर बन रहा है उससे पहले जितने लोग हमारे साथ न्यूमरोलॉजी कर चुके होंगे या उस वक्त जो एनरोल होंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर फ्री में देंगे, बाकी सबके लिए वो 7-8 हज़ार का जो भी उस टाइम कॉस्टिंग आएगी तो उनको वो उस हिसाब से कॉस्ट में परचेज करना पड़ेगा, तो ये बेस्ट टाइम है प्राइस वाइज भी, ऑफर वाइज भी, और आगे आपको सॉफ्टवेयर भी हम फ्री में दे रहे हैं जो पढ़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको जिसको भी इसकी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज एनरोल कर सकता है, 5 को कोर्स है, अगर 29 के बाद आपका मन बनता है तो फिर आपकी फ्री वाली वर्कशॉप निकल जाएगी और ब्रेसलेट नहीं मिलेगा, फिर वो 12,500 आपको फीस देगी, ठीक है। कोई भी अगर कोई इंटरेस्टेड है न्यूमरोलॉजी अगर करना चाहता है तो ऑल आर वेलकम, आप लोग कर सकते हो। यस सर, किस किस दिन होगी? हाँ जी, क्लासेस कब कब होंगी? क्लासेस एवरी फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, 16 से 20 दिन की क्लास है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, वर्किंग डेज में क्लास है, एवरीडे 4 to 6 2-2 घंटे की क्लास होगी डेली, ठीक है। किसी को और भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्यूरियोसिटी है, क्या कोर्स है, क्या फीस है, तो पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज सकता है, मैं डिटेल भेज दूंगा। हाँ रमेश जी, बोलो।
सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सपोज करिए मकर लग्न की कुंडली है सर, और लगने से उनका शनि बनते हैं, तो वो अगर 12वें घर में बैठते हैं तो छोड़ दो, अभी मैं प्रेडिक्टिव पार्ट बता ही नहीं रहा आपको, मैंने सर ये बोला अभी भाव राशि ग्रह इनको पहचानो, अभी मैंने मकर लग्न बता दिया, मकर लग्न के बारे में पूछो आप कि मकर लग्न लगन है किसी का तो उसको किस क्या नेचर होगी, क्या प्रकृति होगी उसकी, इंसान की कैसा नेचर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, कैसा करेक्टर होगा, दिखता कैसा होगा, अभी वो कहां जाके बैठा है, मैंने तो पढ़ाया कुछ नहीं, वो तो मैंने एक बता दिया आपको कि 8th हाउस में बैठा है तो ये मतलब है, ऐसे हार हाउस का मतलब है वो बताएंगे आगे आपको, अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हेलो, चलो हो गया सब। सर मुझे वर्कशॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो मैडम। सर मैं जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसमें रेमेडीज भी रहेंगी सर? मैडम सब कुछ रहेगा हमारे उसमें, कंप्लीट कोर्स होता है बेसिक से लेकर एडवांस तक, और रेमेडी में कुछ छोड़ते नहीं हम। मैं इतनी सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, हर साइंस की रेमेडी में डालता हूँ। न्यूमरोलॉजी में रुद्राक्ष का कैसे यूज करना है, कलर्स का यूज कैसे करना है, क्रिस्टल का यूज कैसे करना है, मंत्रों का यूज कैसे करना है, सिंबल्स का यूज कैसे करना है, यंत्र बनाने कैसे, सब कुछ सिखाता हूँ। तो हर कोर्स के अंदर आइए बेसिक से लेकर एडवांस तक, और रेमेडीज में आपको कहीं भाग भाग नहीं आना पड़ेगा, जितनी रेमेडीज मैं दे दूंगा ना कोई और दे नहीं पाएगा, परफेक्ट कोर्स, कंप्लीट कोर्स है बस ये समझ लो, क्योंकि मैं सारी साइंस पढ़ाता हूँ, मैं ज्योतिष की रेमेडी इसमें लेकर आऊंगा, वास्तु की रेमेडी मैं इसमें न्यूमरोलॉजी में लेकर आऊंगा, तो कोर्स कंटेंट एक बार पढ़ लो मेरा, आपको पता लग जाएगा कि कितना कुछ मैं सिखाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। सर अगर किसी को, मैं इंटरेस्टेड हूं, एक मिनट, अगर मान लीजिए ये है कि भाई मैं कोर्स करना चाहता हूँ लेकिन मैं फीस अभी नहीं, मतलब परसों दे दूंगा, कल दे दूंगा, तो आप मेरे को कोई बात नहीं एनरोल करा दो, मैं तो सब पे विश्वास करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कल की आपकी वर्कशॉप कल की अटेंड कर लो, अगर किसी ने कोर्स करना ही है, फीस बेचा को एक तारीख को जमा करे, दो को जमा करे, तीन को जमा करे, तो अगर आप इस कोर्स का बेनिफिट ले लो जो कल मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, तो आप सिर्फ नाम भेज देंगे सर मैं आई एम इंटरेस्टेड, और मैं फीस मालिक कर भेज दो, सर मैं फीस 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, जब भी आपका मन है ये लिख कर भेज देंगे, तो मैं आपको एनरोल कर लूंगा, और अभी एक ग्रुप बनाऊंगा रात को, कल आप उसको वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, ठीक है, ये मतलब ये। हाँ सर, सर मेरा रहेगा सर सोनल, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको रात तक 12 बजे तक एक ग्रुप बन जाएगा, कल की पूरी डिटेल आपको कि क्या उसमें वो रहेगा, हमारा आईडी पासवर्ड सब आपको मिल जाएगा ग्रुप बन के। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक चीज पूछते, पाइथागोरस में हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सब कुछ सर, सब कुछ, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ छूटता ही नहीं है, बात ही करता हूँ, कौन सा व्यवसाय, कौन सा प्रोफेशन में जाओगे, ठीक है, कौन सी आपको डिजीज लग सकती है, सब कवर होगा, कुछ नहीं छूटता, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट। ओके थैंक यू। और अभी तक हमारे पास भगवान की ऐसी कृपा है, अभी 20 एंट्री हो चुकी है हमारे पास। सर मैंने भी आपको फीस पे कर दी है। सर फीस पे कर दी है, कोई बात नहीं, मेरे को भेज देना, देखो व्हाट्सएप पर कल की, सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको, शेयर कर दिया। क्या नाम था आपका? सन्निधि बंसल, कल की वर्कशॉप की। कल की वर्कशॉप की, अच्छा, यस सर। कब के भेजी सर? न्यूमरोलॉजी तो सर मैं कर ही रही हूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी आप कर ही रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ, सर वास्तु भी कर रही हूँ। हाँ बस ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, आप तो घर वाले बंदे बन गए हो, आपकी कोई टेंशन नहीं होती, आप सिर्फ बोल। मैंने भी आपको व्हाट्सएप कर दिया सचिन, फीस में आपको पे कर दिया, आपका हो गया, कोई बात नहीं सचिन जी, मैंने नाम लिख लिया आपका, मैनिका का नाम लिख लिया। हाँ ठीक है, थैंक यू मैडम। आप होली रेमेडी की वर्कशॉप हो रही है, तो आप कैसे विल एनर्जी को दूर भगाएंगे, कैसे घर परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने ऊपर से नेगेटिविटी कैसे उतारेंगे, होली का में क्या करना है आपने, वो सारी चीज बताई जाएगी, कुछ सिंबल्स मैं आपको दूंगा कि ये सिंबल्स यूज करो तो आपने अपनी लाइफ को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फिर एक ब्रेसलेट आप तक पहुंचेगा, ठीक है, एनर्जाइज करके होली का मैं उसको एनर्जाइज करता हूँ, मैं मेरा एक तरीका है अपना करने का, तो 1500 रुपये उसको हम देते हैं आपको, फ्री में दिया जा रहा है, तो 5100 रुपये का तो गिफ्ट वैसे ही मिल रहे हैं आपको, ये सोचो सर। मेरा भी ऐड कर लीजिएगा आपने, तो बेटा भेज देना, मतलब भेज, मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को क्या है इतने सारे मैं ग्रुप है, इतनी सारी चीजें होती है, मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं खुद अपना नाम भूल जाता हूँ कई बार। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर देती हूँ आपको, सेंड भेज दो, मैं देख के उसमें से नोट डाउन करके लिख दूंगा, ठीक है, जिसने भी करना है ऑल आर वेलकम, फीस की कोई ऐसी बात नहीं, कोई 2 दिन पहले देगा, कोई 2 दिन बाद देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर देती हूँ, चलो ओके जी, मेरे को अभी और भी पढ़ाना है भाई 2 घंटे, तो मैं अगर आपकी इजाजत, थैंक यू सर, मेरे को 2 घंटे क्लास हो गई, ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, भी आना है, कल रेमेडी करेंगे और आगे 5 तारीख से क्लास करेंगे,
ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैप्पी होली।